hare 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 rama hare rama 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 hare 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 krishna hare krishna 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 hare 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 rama hare rama 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 hare hare radhe radhe govinda govinda एक समय ध्यान देकर सुना, जब ये रामायण ग्रंथ रचना हुई अभी देवता दैत्य और मानव में लड़ाई हुई। देवता बोले ये रामायण हमें मिलनी चाहिए, दैत्य लोग बोले हमें मिलनी चाहिए, और जो इंसान थे बोले ये रामायण ग्रंथ हमें मिलनी चाहिए। तुमने में लड़ाई हुई, लड़ाई हुई तो बोले एक काम करो भैया, ये ग्रंथ जिनका उनको पास में चलो। बोले ये ग्रंथ किसके हैं? बोले श्री भोले बाबा के। सर्वप्रथम शंकर जी, कितना श्लोक था? 1,00,000 श्लोक था। तब उन्होंने तीनों भाग में बंटवारा करवाया, पहले तो 30,000 30,000 30,000, अभी कितना बचेगा बोलो जोर से? 10,000। फिर 10,000 को 3,000 3,000 3,000, अभी कितना बचेगी? 1,000। फिर 1,000 को उन्होंने 300 300 300, अभी कितना बचेगा? 100 100 को फिर उन्होंने 33 33 33, कितना बचेगी बताओ? 1 बचेगी। फिर उन्होंने एक श्लोक में 4 चरण होता है, हाँ, 4 चरण में, 1 चरण में 8 अक्षर, उन्होंने एक चरण बांट दिए, अभी 1 चरण रह गया। और 1 चरण में होता है 8 अक्षर, फिर उन्होंने 8 अक्षर को बांट दिए, 2 2 2, अभी लास्ट में कितना बचेगा बोलो? 2। लास्ट में जो 2 बच गया, शंकर जी ने कहा देखो मैंने इतने परिश्रम की भैया, मुझे तो कुछ तो मिलनी चाहिए ना, इसलिए ये 2 अक्षर मुझे दे दो। कहते वो 2 अक्षर क्या है? कृष्ण नहीं तो राम। ये 2 अक्षर बच गया, शंकर जी ये 2 अक्षर को अपना कंठ पर धारण कर लिया। वो 2 अक्षर क्या है? भगवान राम का नाम और भगवान श्री कृष्ण का नाम। मतलब सारे शास्त्र को अगर हम मंथन करेंगे ना, अगर उसमें मक्खन निकलेगा तो ठाकुर का नाम है। इसलिए शास्त्र में बताया जो व्यक्ति ठाकुर का नाम कोई जीवन में सार कर लिया ना, समझो उसने सारे शास्त्र पढ़ लिया। लेकिन अगर हमने सारे शास्त्र को पढ़ लिया लेकिन ठाकुर जी का नाम में तुम्हारी रुचि नहीं, तुम्हारे ठाकुर जी के नाम में रुचि नहीं, बोले बेकार, तुम्हारे ग्रंथ पढ़ना सब बेकार है। इसलिए लास्ट में भी जब शरीर भी छूटता है अंतिम समय भी यही बोलते बोलते ले जाएंगे, राम नाम सत्य है और गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। इसलिए सारे शास्त्र का निचोड़ है ठाकुर जी की नाम। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण, हम लोग कोई बोलते नहीं हो, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले जदा जदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। बोले भगवान युग युग में ठाकुर जी अवतीर्ण होकर के धर्म को स्थापन करते हैं और अधर्म को विनाश करते हैं। इसलिए भागवत में भगवान की 26 अवतार की कथा है।
ठाकुर का जो सर्वप्रथम अवतार है ये चतुसन रूप में भगवान जगत में आए, ये ब्रह्मा के ये मानस पुत्र है, सनक सनातन सनातन और सनत कुमार। इनका काम किया है बोले कृष्ण कथा मात्रैक जीवनम, इनका एक ही काम है भगवान की कथा बोलना और सुनाना। अगर कोई मिले ना बस कथा सुनाना शुरू कर देते हैं, अगर कोई नहीं हो तो क्या करते हैं, एक भाई तो व्यास गद्दी पर बैठ जाएंगे और तीनों भाई बैठ जाते हैं सामने, बस दिन रात प्रभु जी की कथा ही जिनका जीवन है, ये ब्रह्मा का सर्वप्रथम सृष्टि है। बोले दूसरा जो अवतार है भैया जो धूप है ना उतर हटा दो यहाँ से, इसलिए इनको जो भगवान की जो दूसरी अवतार है ये बराह अवतार है। भगवान ये बराह रूप में क्यों आए, बोले इन्होंने हिरण्याक्ष को उन्होंने वध किया है। हाँ, जिस समय पृथ्वी ये रसातल में चली गई थी, ये हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल ले गई थी, इतने में भगवान छींके तो उनकी नासिका से एक मच्छर जैसे पानी प्राणी सृष्टि हुई और देखते देखते उसने भयंकर विशाल रूप धारण किया। भगवान बराह अवतार लिए, बोले श्री भगवान बराह देव की। देखो देखो ध्यान देकर सुनो, कहते शाम का समय में चार काम नहीं करनी चाहिए, कितना काम नहीं करनी चाहिए देखो इसको अच्छे तरह से याद रखो, ठीक शाम का समय में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, बच्चों को पढ़नी नहीं चाहिए, अगर उसी समय कोई चीज पढ़ाई करेगा वो भूल जाएगा। हम कभी कभी कहते हैं ना बच्चा घर में तो पढ़ाई लिखाई ठीक करता है लेकिन जब ये पेपर देने जाता है सब भूल जाता है, इसलिए शाम का समय में जो पढ़ेगा वो क्या होगा वो सब भूल जाएगा। दूसरा काम भोजन नहीं करनी चाहिए कभी, जो भोजन करेगा शाम का समय में उसका पेट का रोग रहेगा, कभी उधर का रोग एकदम सही नहीं होगी। तीसरा काम शाम का समय में सोनी नहीं चाहिए, ये चीज को ध्यान रखो, जो व्यक्ति शाम का समय में सोएगा ना वो दरिद्र बनेगा, घर में माँ लक्ष्मी कभी नहीं आई है। अगर पैसा होगा तो धीरे धीरे देखना पैसा धीरे धीरे खत्म होती जाएगी पैसा, घर में लक्ष्मी नहीं टिकेगी। और जो चौथा काम है पत्नी को साथ में सहवास नहीं करनी चाहिए, हैं? ये हिरण्यकश्यप क्यों जन्म हुई, किसी कश्यप ऋषि के पत्नी थी जिसका नाम थी दीप्ति, ठीक शाम का समय में उसने बड़ी सुंदर लड़झट श्रृंगार किया, श्रृंगार करके वो तो राजकुमारी थी, जब सीसा को सामने उसने श्रृंगार की वो इतने सुंदर थी, अपना रूप को देख करके काम में मुक्त हो गई। उसने जोर जबरदस्ती अपना पति से मिलने चाहा, लेकिन कश्यप ऋषि तो साधारण थे नहीं, बोले देखो दीदी ये समय अच्छी नहीं है, क्योंकि शाम का समय में ये शंकर जी ये भूत प्रेत पिशाचियों को साथ में ये घूमते रहते हैं, इसलिए अभी तो मिलने मत मिला करो। लेकिन वो काम में इतने आतुर हो गई थी, उसने जोर जबरदस्ती पति से मिले, पति ने कहा देखो तुमने अच्छा काम नहीं किया, तुम्हारे पेट में राक्षस जन्म लेंगे। इसलिए आप कभी कभी देखे ना बच्चे तो कभी बड़ी बड़ी आज्ञाकारी होते हैं बहुत अच्छे, लेकिन ऐसे कुछ बच्चे होते हैं इतने उद्दंड इतने दुष्ट होते हैं पिता का बात नहीं सुनते, कारण क्या है, ये कारण क्या, बोले कारण है एक होता है गर्भ, जिस दिन ये बच्चा माँ की पेट में आता है समय अच्छी होनी चाहिए, अगर कोई बार बेला काल बेला होएगा नहीं, अगर कोई अच्छा समय पर, इसलिए नियम है जिस दिन गर्भ में बच्चा आए पिता माता को क्या करनी चाहिए, ठाकुर जी को पास में जाओ, ठाकुर जी को प्रणाम करो, ठाकुर जी को प्रार्थना करो, ठाकुर जी हमें ऐसे एक बच्चा दो जो हमारी खानदान को ऊंचा करे, पिता माता के नाम को उजाला करे, हैं? अगर उस ठाकुर का सेवा पूजा करके अगर जाओगे ना वो बच्चा बहुत अच्छे संस्कार बनेगी। दूसरा संस्कार गर्भ, माताएं ध्यान देकर सुनो, गर्भ संस्कार मतलब होता है जब पेट में बच्चा होना
माताओं को उल्टा पुल्टा फिल्म नहीं देखनी चाहिए, डिस्को डांस गंदी गंदी फिल्म पिक्चर नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि आप लोग महाभारत को सुने होंगे, सुने हो महाभारत? जब महाभारत युद्ध हो रहा था उसी समय में द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचना की, लेकिन एक अर्जुन को सिवाय कोई चक्रव्यूह भेद करना नहीं जानता था। लेकिन अर्जुन दूसरे तरफ में चला गया है, लेकिन ये चक्रव्यूह कौन भेद करेगा? अभिमन्यु ने कहा मैं जानता हूँ। बोले तू सीधा कैसे? बोले एक समय मेरे माँ और मेरे पिता जब सो रहे थे, पिता कौन अर्जुन, माँ कौन सुभद्रा, एक दिन मैया सुभद्रा मेरे पिताजी से बोले, बोले अर्जुन को ये चक्रव्यूह क्या मेरे को थोड़ा सुनाओगे? इतने में अर्जुन ने उनको चक्रव्यूह कैसे भेद करके बता दिया। लेकिन निकलेगा कब वो बताने जा रहे थे, इतने में सुभद्रा सो गई। सो गई तो अर्जुन ने देखा तो सुभद्रा सो गई, फिर सुनाऊंगा उसको। इसलिए अभिमन्यु कहता है जब मैं माँ की पेट में था उसी समय में मैंने इसको सुन रहा था, सुनते सुनते मैंने सीख गया, लेकिन भेद तो कर सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता हूँ। भीम ने कहा कोई चिंता मत करो, हम वापस ले आएंगे। देखो जब प्रह्लाद महाराज हैं, जब बच्चों को बड़ी अच्छे अच्छे ज्ञान की बात बताई, बच्चों ने कहा प्रह्लाद तुमने इतने अच्छे अच्छी बात कहाँ से सीखे हो? हमारे जो गुरु संधा और अमर कर ये बात तो कभी बोलते नहीं, तू कहाँ से सीख गया? देखो ये क्या कहता है, बोले जब मैं माँ के पेट में था नारद जी ने मेरे मैया को भगवान की बड़ी प्यारी प्यारी कथा सुनाई, मैं माँ के पेट में बैठी बैठ कर सारी कथा सीख गया। रामायण देखे होंगे, लव कुश देखे हो, जब माता सीता गर्भ में, माता सीता को गर्भ में लव और कुश थे, एक दिन अयोध्या में भगवान राम बड़े बड़े संतों को उन्होंने बुलाए और सीता के लिए एक कुर्सी दिए, बोले सीते तेरे को पता है मैंने क्यों आज इतने साधु संतों को बुलाया, आज यहाँ पर क्यों सत्संग बुलाया जानते हो? बोले नहीं, बोले तुम्हारी गर्भ में अभी बच्चे हैं, इसी समय अगर तू सत्संग सुनोगे तेरे जो बच्चे हैं ना बड़े ज्ञानी बनकर के जन्म लेंगे, जिनके बच्चे लव और कुश हुए। देखो लव कुश, राम की कथा राम दरबार में प्रभु राम की कथा सुना रहे थे और इतने बड़े उन्होंने क्षत्रिय हुए, बचपन में शब्द धराशाय कर दिया, सारे चाचाओं को, हनुमान जी को, सुग्रीव को हैं, सबको उन्होंने धराशाई कर दिया, इतने अच्छे बने। इसलिए गर्भ में जब बच्चे हो माताओं को गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भगवान की कथा देखो, उल्टा पुल्टा फिल्म मत देखा करो, नहीं तो बच्चा गुंडा बनकर के आएगा, गर्भ से ही गुंडा बनकर के आएगा। पहले इसको छोटा बोतल पकड़वाओगे तो फिर बड़े होकर बड़ा बोतल पकड़ेगा, फिर छोटा बंदूक पकड़ा ये बड़ा, बड़े होकर बड़ा बंदूक फिर पकड़ना सीखेगा है। इसलिए इसको कहते गर्भ संस्कार। इसलिए ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए क्योंकि आज समय में ये दिति ने पति से मिला था है, इसलिए ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। बस ये वृंदावन बिहारी लाल की जय, बस वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। कहते भगवान की जो तीसरे अवतार हैं, बोले श्री नारद जी रूप में आए। ये नारद जी ऐसे हैं, अगर कोई थोड़ी सी भी इनकी संगत किसकी मिल गई है ना, पूरा इनका जीवन बदल गया। इनकी विशेष करके चार चेले हुए, दो बालक और दो वृद्धा। बोले दो बालक कौन हुए? एक प्रह्लाद और एक श्री ध्रुव महाराज। इनकी इतने कृपा रही, 5 साल उम्र में ध्रुव जी, 5 साल उम्र में उन्होंने भगवत प्राप्ति हो गई और श्री प्रह्लाद महाराज ये भी 5 साल उम्र में, जब इनकी पिताजी बोले बताओ तेरे भगवान कहाँ है, बोले बताओ तो मेरे भगवान है नहीं कहाँ तो बताओ, बोले क्या खंभे में है, बोले मेरे को तो दिख रहा है ठाकुर जी बैठे हुए हैं, बोले पहले तेरे प्रभु को दिखाता हूँ तेरे को बाद में दिखाऊंगा। उनने मुष्टि का घात मारी, खंबा फट गई, सख्यात नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की,
इसलिए नारद जी की इतने कृपा रही, 5 साल उम्र में उन्होंने भगवत प्राप्ति हुई। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बोले जनामा जनामा मोनी जाता ना करारी, जनामा जनामा मोनी जाता ना करारी, जनामा जनामा मोनी जाता ना करारी, जनामा जनामा ये पहले दशरथ नगर था, देखो इनकी कैसे कृपा, चोरी गुंडागर्दी कभी, इतने ब्राह्मण को उन्होंने हत्या की थी जिनकी जन्म से कुआं भर गया, इतने बड़ा दुष्ट था पहले ये वाल्मीकि दशरथ नगर थे। लेकिन नारद जी का भेंट हो गया, बोले बाबा निकालो क्या माल पानी तेरे पास में। बोले भैया हम तो संत हैं, हमारे पास में तो 3 चीज लोटे सोटे लंगोटे हैं। बोले जो कुछ हो निकालो। बोले ये बताओ तुम ये जो पाप कर्म करके पैसा कमा रहे हो, बताओ इसको अंशीदार कौन बनेगा। बोले मेरे परिवार, मेरे बीवी बच्चे पिता माता। बोले देख ये सब के सब तेरे सुख में मत साथ दे रहे हैं, दुख आएगा ना ये कोई भी तेरे साथ देने वाले नहीं, जा पूछ बैठा। बोले तू भाग जाओगे पीछे से। बोले भागूंगा नहीं। बोले भाग जाओगे तो नारद जी को हाथ को पीछे बांध के पेट दिए कि बाबा भाग नहीं जाए। घर में गए, पत्नी से पूछा, बोली जो पाप कर्म करके पैसा कमा रहा हूँ तो भागीदार बनोगी कि नहीं। बोले क्यों, घर का काम मेरी बाहर का काम तेरा, मेरे को नहीं पता। पिता माता को पूछे, बोले तेरे को हमने बड़ा बनाया लिखा पढ़ा सिखाया, क्यों भैया हमको पता नहीं तू कैसे पैसा कमाते हो, हमें पता हमने कैसे पैसा कमाया। बच्चों से पूछे, बोले भैया अभी हम बच्चे हैं, अब का तो कर्तव्य हमें लालना पालन करना, जब बड़े हो जाएंगे फिर हम देखेंगे। उसको होश आया, बोले बाबा आप सही बता रहे थे, मेरे मन में तो बहुत बड़ा भ्रम था, शायद ये परिवार सबके साथ मेरे पाप को बंटवारा करके लेंगे, आप तो सही बता रहे हो, बताओ मेरी उद्धार कैसे होगी। तो बोले बोलो रा, बोलो बोलो, कोई बोल नहीं रहे, बोलो और जोर से। लेकिन उसको मुंह से बोलकर राम का नाम ही नहीं निकला, क्यों, अब जो पापी व्यक्ति होता है ना वो ठाकुर का नाम नहीं ले सकते, जो पुण्यात्मा है वही ठाकुर का नाम लेते हैं। देखो भगवान कपिल देव ये अपना माँ को कहती है, बोले माँ ये ठाकुर जी का नाम को कौन ग्रहण करेगा, आप लोग ध्यान देकर सुनो, कल सबको एक एक करके पूछूंगा, देखूंगा मेरे को कौन बोल पाता है, जो बोलेगा सो इनाम देगा। बोले भगवान का नाम कौन ले सकता है, भगवान कहते हैं, बोले अहो बत सपोच अतो गरिया जत जुहाग्र वर्तते नाम तुभ्यम। बोले अहो, अहो मतलब क्या है, जो व्यक्ति भगवान के नाम जप करते हैं, बोले संपूर्ण जिह्वा में नहीं, कहते जिह्वा की अग्रदेश में जो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान कहते माँ तुम ये समझो उसने पूर्व जन्म में 4 काम करके आए, कितना काम करके आए, क्या क्या करके आए, हाँ सुन लो, कहते पूर्व जन्म में उसने पृथ्वी का जितने तीर्थ था है, बोले पृथ्वी माता जी सामने मत खड़े हो, चुपचाप बैठ जाओ घूमना नहीं, इसलिए बोले पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है सारे तीर्थ में उसने पहले उसने सारे तीर्थ कर चुका है। बोले पृथ्वी में कितने तीर्थ है आपको पता है, बोले 6 अरब, कितना तीर्थ है 6 अरब, जिसने पूर्व जन्म में ये 6 अरब तीर्थ जो करके आए। बोले दूसरा काम क्या है, बोले पूर्व जन्म में
जितने तरह का तपस्या है, सारे तपस्या को जो करके आए, बोले तीसरा काम क्या है, पूर्व जन्म में जितने तरह का दान है, स्कूल खोलना, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये जितने अन्न छत्र खोलना, जितने तरह का दान पुण्य है जो पूर्व जन्म में करके आए, और चौथा काम क्या है, जिसने पूर्व जन्म में जितने यज्ञ हैं, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, सारे यज्ञों को जो पहले जीवन में करके आए, बोले माँ वही व्यक्ति ही इस जीवन में ठाकुर जी के नाम को वही ग्रहण करेगा, वही ठाकुर जी का नाम को ले सकता। बोले माँ सभी ठाकुर का नाम नहीं ले सकते, देखना बैठ करके सारा दुनिया की गप्पे मारते रहेंगे, सारा दुनिया की, जैसे सारे संसार का दायित्व तो हमारी पूरी, उसको छोरी ऐसे कर दिया, उसका छोरा ऐसे कर दिया, उसकी घर में बहू ऐसे कर दिया, जैसे इनके ऊपर में सारे दायित्व तो इसके ऊपर है, सारे उल्टा पुल्टा बात करते रहेंगे। बोले भैया एक माला जप कर ठाकुर जी का, बोले मेरे से नहीं होगा, ये काम नहीं कर सकता। देखो आपको सही घटना सुना रहा हूँ। बोले एक समय एक माता जी अंतिम सज्जा में लेटे हुए, तैयारे मैयारे सारे बात कर रहे थे, बेटे को देख लेना, बेटे बेटा को देख लेना, घर में बेटी घर में हर साल कपड़ा भेजना, बच्चे कह रहे थे माता जी तुम कोई चिंता मत करो, तुम्हारी अंतिम समय है, थोड़ा राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे बोलो। बोले मेरे से इतना बोला नहीं जाता, देखो कितना बात बोल दिया, मेरे से इतना बात बोला नहीं जा सकता, ये 10-20 उन्होंने बोल दिया अक्षर, लेकिन ये दो अक्षर राधे राधे और राम राम नहीं निकले। लेकिन उसका जो पोते थे ना, बड़े चतुर थे, वो सोच रहे थे दादी की मुंह से किसी तरह से थोड़ा प्रभु का नाम निकले। बोले दादी तुम क्या नहीं बोल सकती हो, वो सोच रहे थे कम से कम बोले कि राम राम राधे राधे नहीं बोल सकती, उसने बोली जो बुलवाना चाह रहे हैं ना मैं वही नहीं बोल सकती, मेरे से जो बुलवाना चाहता हूँ मैं वही नहीं बोल सकती हूँ, और सारी बात को मैं बोल सकती हूँ हैं। इसलिए जब श्री नारद जी बोले बताओ, हाँ वाल्मीकि को बोले बोलो राम, बोलो बोलो जोर से, लेकिन वो बड़ा पापी था इसलिए मुंह से प्रभु का नाम नहीं निकला। तब उन्होंने बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकते हो, बोला हाँ इतना तो बोल सकता है, इसलिए कहते हैं आप मरा मरा बोलो, अब लोग बोलो सबके सब मरा मरा, देखना अपने आप राम राम हो जाए, अपने आप राम राम हो जाता है। इसलिए कहते हैं उल्टा नाम जप तक जग जाना, और वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना, और नाम लेत भव सिंधु सुहाई, विचार कर सुमन मन। अगर वो मरा मरा करते करते दस्यु रत्ना कर से अगर वो वाल्मीकि बन सकता है, और राम आने से पहले रामायण उन्होंने लिख दी, राम आने से पहले रामायण लिख दिए, इतने ज्ञानी बने। अगर हम सीधा अगर प्रभु का राम का नाम ले फिर हमारी क्या नहीं हो सकती। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, देखो आप लोगों ने कोई पेड़ लगाया हो, कौन कौन पेड़ लगाए हो हाथ उठाओ, आप देखना जब पेड़ लगाते हो, गोस्वामी जी क्या उदाहरण देते हैं, जैसे गेहूं लगाते हैं धान, देखना इसको लेकर ऐसे जमीन में फेंक देते, ऐसे लेकर जमीन में फेंक नहीं देते, वो उल्टा पड़े सुलटा पड़े, लेकिन जब पेड़ होता है कैसे होता है, वो भले ही उल्टा पड़े सुलटा, लेकिन पेड़ कैसे होता है सीधा, वो पेड़ सीधा होगी। इसलिए कहते हैं भैया अगर किसी तरह से तुम ठाकुर का नाम लोगे ना, इसका फल जब मिलेगा सीधा फल मिलेगा। इसलिए कहते राम ना सकई नाम गुण गाई, भगवान नाम की इतने महिमा, भगवान राम भी अपना नाम की महिमा को गा नहीं पाते हैं, ऐसे प्रभु जी की नाम की महिमा। इसलिए आप लोग सबके सब मेरे पीछे पीछे सब मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए थोड़ा प्रभु का नाम लो, बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय
रघुपति राम रामचंद्र की। इसलिए भगवान की ये तीसरा अवतार है। भगवान श्री नारद रूप में आए। एक ग्रंथ जिसका नाम नारद पंचसूत्र तंत्र है, जिसमें बड़े सुंदर उन्होंने जिसमें भक्ति की महिमा उन्होंने गाई। यद भगवान की जो चौथा अवतार भगवान श्री नर नारायण ऋषि रूप में आए, और ये बद्री का आश्रम में भगवान तपस्या कर रहे हैं। बोले भैया भगवान क्यों तपस्या करेंगे, तपस्या तो हम करेंगे, देखो इसका क्या कारण है। बोले एक समय नारद जी मरते जगत में आए, घर घर में गए, सबसे पूछे सब ठीक ठाक हो, सबके तो सर हिलाए, लेकिन जब अंदर की बात पूछे ना, देखा कोई संसार में ठीक नहीं। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, बेटा से दुखी, बेटी से दुखी, बहू से दुखी, सास से दुखी, ननद से दुखी, पड़ोसी से दुखी दुखी दुखी। जब उन्हें वैकुंठ में गए, देखा ठाकुर जी अनंतनाग ऊपर शयन किए हुए, माँ लक्ष्मी ठाकुर जी की चरण की सेवा कर रही हैं, सारे देवता साकारम भुजग शरणम भगवान को स्तुति कर रहे हैं, और भगवान इसे मुस्कुरा रहे थे। नारद जी बोले ये दुनिया को प्रभु आपने बनाया। बोले हाँ, बोले दुनिया को बनाया आपने, मैंने घर में जा करके देखा सबके सब दुखी है। बोले प्रभु जब तक जीव तेरे भजन नहीं करेगा तब तक कभी सुखी नहीं बनेगा, लेकिन भजन तभी करेगा श्रेष्ठ व्यक्ति जो करते हैं, छोटे व्यक्ति उसको देख देख कर सीखते हैं। जैसे पिता माता जो करेंगे बच्चे तो उसको देख देख कर सीखेंगे ना, आप तो दुनिया की पिता माता हो। बोले नारद जी से घुमा फिरा कर क्यों बोल रहे हो, सीधा सीधा बोल दो ना। बोले प्रभु आप तो अपना पत्नी को लेकर के लक्ष्मी को लेकर दिन भर पड़े हुए हो, लोग बोलेंगे भैया हम भी अपना लक्ष्मी को लेकर दिन भर पड़े रहे। बोले बताओ फिर क्या करना। बोले प्रभु अगर आप थोड़ी सी तपस्या करोगे ना, जीव भी आपको देख कर सीखेगा, वो भी थोड़ा तपस्या करेगा। बोले ठीक है नारद जी मैं जा रहा हूँ। अभी ठाकुर जी तपस्या करने के लिए गए, लेकिन कोई बढ़िया जगह हो तब तपस्या करेंगे। ठाकुर जी ढूंढ रहे तो कोई बढ़िया जगह मिल जाए। भ्रमण करते करते जब भगवान बद्रीनाथ में पहुंचे, वहां पर गंधमार्दन पर्वत अलका नदा कलकलनाद से बह रही है, बड़ा सुंदर मनोरम स्थान है। हम लोग गए हो बद्रीनाथ, कौन कौन बद्रीनाथ गए हैं, कौन कौन बद्रीनाथ गए, एक दो व्यक्ति गए भगवान, आप बताओ कौन बद्रीनाथ जाना चाहते, सबको हम ले चलते हैं। अच्छी बात है। इसलिए बद्रीनाथ में पहुंचे, बड़ा सुंदर स्थान है, मनोरम स्थान है। अभी भगवान को तो बहुत बढ़िया लगा, बोले भैया यहीं पर बैठ करके भजन करें, लेकिन वहां पर पहले भोले बाबा रहते थे। बोले भोले बाबा को भगाना पड़ेगा कैसे। बोले कैसे, वहां पर एक तप्त कुंड है, रोज शंकर पार्वती वहां स्नान करने आते थे। एक दिन भगवान ने क्या किया, एकदम छोटा बालक बनकर के बर्फ के ऊपर रोने लग गए। शंकर जी आगे आगे चल रहे थे, शंकर तो समझ गए, लेकिन पीछे माँ पार्वती चल रही थी। लेकिन माताओं का हृदय तो कोमल है ना, किसी बच्चे को अगर बर्फ के ऊपर पड़े हुए रोए हुए देखे, माताएं कभी सहन कर सकती हैं। और भगवान स्वयं बच्चे बने, बड़े सुंदर ठाकुर जी थे। इतने में माता पार्वती उन्होंने गोद में उठा लिए। बोले प्रभु आपको ये बच्चा देखा दिखा नहीं। बोले पार्वती दाल में मुझे काला दिख रहा है। बोले प्रभु छोटा बच्चे काले किए, इसको मैं घर में सुला करके आती हूँ। तब पार्वती गई घर में सुला करके आई, दोनों स्नान करके जब वापस आए ना, वो तो ठाकुर स्वयं नारायण, जब घर में सुला दिया अंदर से कुंडी बंद कर दी। शंकर जी आए दरवाजा खटखटाए, वो खोले ही नहीं। बोले पार्वती तू देख लिया घर में तुमने सुलाया तो इसने पूरा घर ही दगल कर लिया, पहले तेरे को मना कर रहा था ना। शंकर जी ध्यान लगाए ये कौन है, देखा ये मेरे प्रभु जी है। बोले प्रभु अगर आपको यही रहना तो यही रहो, फिर मैं जा रहा हूँ केदारनाथ जा रहा हूँ। शंकर जी बद्रीनाथ छोड़ करके फिर केदारनाथ में चले गए। वहां पर भगवान नर नारायण ऋषि रूप में तपस्या कर रहे हैं, भगवान का वरदान है।
अगर कोई कष्ट करके एक बार बद्रीनाथ जाए, केवल ठाकुर जी को दर्शन कर ले, ठाकुर जी कहते हैं मेरे को दर्शन मात्र से ही मैं जो तपस्या कर रहा हूं इसका छठवां भाग का फल उसको अपनी आप मिल जाए। केवल प्रभु दर्शन मात्र से ही इतने महिमा श्री बद्रीनाथ दर्शन करने का। बोले श्री बद्री विशाल की, बोले श्री बद्रीनाथ की। अभी भगवान कठोर तपस्या कर रहे हैं। एक दिन नारद जी घूमते घामते पहुंचे वैकुंठ में, देखा वहां पर नारायण है ही नहीं। हैं, बोले प्रभु जी कहां गए? बोले पता नहीं कहां ही गए, अभी तक आए नहीं। बोले प्रभु जी तो तपस्या कर रहे हैं बद्रीनाथ में। अभी माता लक्ष्मी ढूंढते ढूंढते आए, देखा ठाकुर तो धूप में बैठी करके तपस्या कर रहे थे। इतने में माँ लक्ष्मी बद्री, बद्री मतलब बेर, बेर जानते हो कि बेर खाती हो ना, उन्होंने बेर वृक्ष बन करके ठाकुर के सामने सुंदर रूप में छाया करने लगे। छाया की तो इतने में मीठी 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 हवा बहना शुरू हो गया। नारायण ने देखा अभी तक तो धूप आ रही थी, अभी तक इतनी सुंदर छाया मीठी मीठी हवा कहाँ से आ गई। इतने में ऊपर में देखा तो माँ लक्ष्मी स्वयं बेर वृक्ष बन करके ठाकुर को छाया कर रहे हैं। इसलिए हम कहते ना बद्रीनाथ बद्री नारायण, जैसे सीता राम राधे श्याम पार्वती शंकर जी, उसी तरह बद्री नारायण। बद्री मतलब ये माँ लक्ष्मी स्वयं ये बद्री का बेर का वृक्ष बनी है। नारायण मतलब लक्ष्मी नारायण, बोले श्री लक्ष्मी नारायण की, बोले श्री बद्री विशाल की जय। तब उन्होंने भगवान की अवतारों का नाम सुना रहे थे, मत्स्य कुर्मा बराह नृसिंह बामन परशुराम राम बलराम बुद्ध कृष्ण कल्कि। जब उन्होंने अवतारों का नाम सुना रहे थे, सुनाते सुनाते उन्होंने ये भी बता दिए, देखो जो भगवान कृष्ण है ना बांके बिहारी ये भी एक अवतार है। इतने में सुखदेव गोस्वामी तो डर गए, बोले मैंने तो गलती कर दी। बोले क्या? बोले मैंने बोल दिया बांके बिहारी भी अवतार है, लेकिन बांके बिहारी कृष्ण अवतार नहीं है। बोले फिर कृष्ण कृष्ण कौन है? देखो ये चीज को समझो, कृष्ण अवतारी कृष्ण अवतार नहीं, कृष्ण अवतारी। अवतारी का मतलब क्या होता है? बोले जिनसे ये सारे अवतार आते हैं, ये पूर्ण ब्रह्म कृष्ण है। इसलिए ठहर से सुतो गोस्वामी कृष्ण के लिए एक अलग श्लोक बनाए, उदाहरण दिया। जैसे आप अपना घर में कोई उत्सव कर रहे हो, आपने मोदी को भी निमंत्रण दिया, भैया हमारी शादी में आप भी आना, आपका कोई विशेष व्यक्ति आप थे, मोदी को परिचित था, आपने मोदी को भी निमंत्रण दे दिया। अभी मोदी आया लेकिन उनको ध्यान नहीं रहा मोदी आ गया। आम व्यक्ति जिस लाइन में बैठ करके भोजन कर रहे थे, भैया मोदी भी आकर वहीं पर बैठ गया। अगर आपका नजर पड़ेगा भैया मोदी प्राइम मिनिस्टर आओ वहां, तो मोदी आया, फिर क्या करोगे? उनको उठा करके कोई उच्च आसन दोगे, उच्च आसन देकर बढ़िया जगह पर बैठा करके फिर आप क्या करोगे? बोले भैया हम लोग अहोभाग्य हमारे बीच में श्री प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी आए। कहते उसी तरह सुतो गोस्वामी ने देखा, मैंने कह दिया भैया कृष्ण भी अवतार, कृष्ण अवतार नहीं कृष्ण अवतारी। फिर से सुतो गोस्वामी ने एक सोने के सिंहासन बनाए और सोने के सिंहासन में श्री बांके बिहारी को ला करके बैठाए। बैठा करके क्या बोले? बोले ए त्रिचान सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्री व्याकुल लोकम बृहयती जुगे जुगे। बोले हे सौनकाद ऋषियों, मैंने जो मत्स्य कुर्मा बराह नृसिंह का नाम लिया है ये कौन है? बोले भगवान बांके बिहारी की अंश की अंश के अंश है, लेकिन ये जो कृष्ण है ना ये पूर्ण ब्रह्म है। कृष्ण पूर्ण ब्रह्म, इन सही सबके सब सारे अवतार आते हैं। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय। जय जय श्री राम।
अच्छा तरह से समझो, जगत में 33 करोड़ देवता है ना, 33 करोड़ देवता, आप बताओ कितने को आप मनाओगे? एक को मनाओ देखना दूसरे मुंह फुला कर बैठ जाएगा, तीसरे को बनाओ चौथा मुंह फुला कर बैठ जाएगा, पंचमा को बुलाओ फिर छठवा मुंह फुला कर बैठ जाएगा। बताओ कितने को आपने मनाओगे? एक को मनाओगे तो दूसरे मुंह फुला कर बैठ जाएगा। लेकिन ये बांके बिहारी ऐसे एक देवता है जो एक बांके बिहारी जी को खुश कर दो ना, कहते ना जा पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे सब कोई, जिसको ऊपर में बांके बिहारी जी की कृपा हो जाए उसको ऊपर में सभी की कृपा अपनी आप हो जाता है। इसलिए आप लोग महाभारत देखे होंगे जिसमें भगवान विराट रूप दिखाया, बोले हे अर्जुन तू देख ले मैं कौन हूँ, देख ले। आ देखो ये चीज को अच्छे तरह से सुना, जिसको तुम ब्रह्मा कहते हो देखो ये ब्रह्मा मेरे में, जिसको तुम भोले बाबा कहते हो देखो भोले बाबा मेरे में, जिसको तुम माँ देवी कहते हो देखो देवी मेरे में, जिसको तुम गणेश कहते हो देखो वो गणेश मेरे में ही है, जिसको तुम हनुमान कहते हो देखो ये हनुमान मेरे में, जिसको तुम इंद्र चंद्र वायु वरुण कहते हो हे अर्जुन देख ये सब का विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में है। इसलिए जब कृष्ण को अंदर में सब कुछ है, जब हम कृष्ण को प्रणाम कर लिया, किसको प्रणाम हो गया बोला, किसको प्रणाम हुआ? विश्व ब्रह्मांड में जितने देवा देवी सबको चरण में प्रणाम करना हो गया। क्यों? कृष्ण का अंदर में विश्व ब्रह्मांड है। इसलिए भागवत में दो उदाहरण देकर समझाया, देखो ये चीज को अच्छे तरह से दिमाग में बैठा, उसमें दो उदाहरण दिया है। पहला उदाहरण दिया जैसे कि वृक्ष है, जैसे किसी वृक्ष का चरण में पानी दे दो देखना पूरा पेड़ आपकी हरा भरा रहेगी, जैसे मुंह में आहार दे दो पूरा शरीर तुम्हारी काम करेगा। लेकिन अगर कोई पेड़ का जड़ में पानी नहीं दे, उसके पत्ते में फल में फूल में पानी देना तीन भर, अगर जड़ में पानी नहीं दे आप बताओ पेड़ जिंदा रहेगा कि नहीं? जिंदा रहेगा, मर जाएगी। अगर कोई व्यक्ति मुंह में आहार नहीं दे बोले क्यों, आंख में देखते थोड़ा दाल डाल दो, कान में सुनते थोड़ा रोटी डाल दो, हाथ में काम के तो चावल दे दो, ऐसे थोड़ी कोई करते हैं। मुंह में देने पर क्या होता है, सारे शरीर में आहार पहुंच जाता है। उसी तरह जब श्री बांके बिहारी जी को हम पूजा कर देते हैं, सबके 33 करोड़ देवता अपनी आप खुश हो जाते हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे राम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कावर पीछे जगह नहीं हो रहा है, ये रस्सी खोल दो सामने से बैठ जाओ, ये रस्सी को खोल दो यहाँ से खोल करके सामने से बैठ जाओ, अगर कोई नाच कोई नाचेगा नहीं तो इसको रस्सी को खोल दो। ठाकुर
Thank you.
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हरे कृष्ण। श्री सौनकादृशियों ने प्रश्न करते ही बोले हे सुत गोस्वामी, जैसे यहाँ पर भागवत कथा हो रही है, अगर किसी व्यक्ति को निमंत्रण दो ना, भैया कथा सुनने के लिए आई हो, किसी का अगर छोटे मोटे कोई काम होगा, नहीं तो कोई बिजनेस होगा, देखना वो कथा सुनने के लिए नहीं आएगा। बोले भैया मेरे पास में बिजनेस है, छोटे मोटे काम है, लेकिन उसी समय में श्री परीक्षित महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो चक्रवर्ती सम्राट थे। मतलब ये संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर में वो राज्य तो कर रहे थे, लेकिन इन्होंने सात सात दिन तक सारे काम धंधा को रख करके उन्होंने कथा सात दिन तक सुनी। बोले क्यों, इसका क्या कारण है? और श्री सुखदेव गोस्वामी वो भी कोई साधारण ऋषि नहीं थे, एक जगह पर उतना समय तक टिकते थे, एक एक गोदोहन करने में जितने समय लगे, 16 साल तक जिसने मुंह नहीं खोले, लेकिन एक बार जब मुंह खोले ना, सात दिन तक मुंह ही नहीं बंद थे। इसलिए आप कृपा करके बताओ, ये श्री व्यास देव जी ये भागवत ग्रंथ क्यों रचना की, इसके पीछे क्या रहस्य है? जब उन्होंने ये सब प्रश्न की, तब श्री सुत गोस्वामी कहते हैं बोले द्वापरे समन प्राप्ते तृतीय युग पर जाए व्यास पराम शरम दोगी सभ्याम कलया हरि। कहते श्री जो व्यास देव हैं, ये भगवान की सत्या में सब बता रहे, इन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से देख लिया ये कलयुग आया है, ये कलयुग में धीरे धीरे लोगों का बुद्धि ह्रास होती जाएगी, हैं? क्योंकि ये बुद्धि टिकना कब होता है, जब कोई ब्रह्मचर्य पालन करता है। कहते 25 साल तक तो कोई कंटिन्यू ब्रह्मचर्य पालन करना, आप उसको जो कुछ बोलोगे झट उसको याद कर लेगा, लेकिन कलयुग में कोई ब्रह्मचर्य पालन नहीं करेगा। क्यों? ये सब इंटरनेट टीवी स्मार्टफोन आ गया ना, अभी 13 साल लड़की के गर्भ में बच्चा हो रही है, अभी बच्चे लोग पहले उल्टा पुल्टा चीज देखते नहीं थे, इसलिए ब्रह्मचर्य रहते थे, है? लेकिन अभी कोई ब्रह्मचर्य रहते नहीं, धीरे धीरे जो बुद्धि ह्रास होते जाएगी। पहले ये सब ग्रंथ प्रंथ नहीं होता था, बच्चे लोग स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे और वहाँ के जो टीचर लोग होते थे वो उनको रटाते रटाते सारे वेद पुराण उपनिषद सब रटाते रटाते सब रट लाते थे, सब रट लेते थे। लेकिन कलयुग में वो सब बुद्धि ह्रास होती जाएगी, इसलिए उन्होंने एक वेद को उन्होंने चार वेद रूप में प्रकाशित किया, फिर उन्होंने उपनिषद बनाया, ब्रह्म सूत्र बनाए, 70 पुराण बनाए। देखा स्त्री शूद्रों को ये वेद में अधिकार नहीं, फिर पंचम वेद श्री महाभारत लिखे जिसको अंदर में ये भगवत गीता है। लेकिन ये सब करते हुए भी उनकी शांति नहीं मिल रही थी, एक दिन दुखी होकर के बैठे हुए थे, इतने में उनके गुरु जी श्री नारद जी आए। जब नारद जी आए व्यास देव खुश हो गए, बोले भैया आज गुरु जी आ गए, हमारे तो भाग्य जग गया, गुरु जी आए। क्यों? गुरु जी आए तो इनका नाम ही गुरु है, गुरु मतलब क्या होता है? बोले गुकार अंधकारत्वात् रुकार तस्य निरोधकः। जब हमारी हृदय की अज्ञान रूपी अंधकार को हटा करके हृदय में जो दिव्य आलोक को संचार करते, तभी गुरु का काम है। बोले जब गुरु जी आ गए कोई चिंता नहीं, गुरु जी सारे समस्या को हल कर देंगे। लेकिन गुरु जी आते ही उनका नस पकड़ लिए, बोले व्यास लगता है तो अंदर से प्रसन्न नहीं हो। बोले गुरु जी आप समय सही बताया, मैं तो जीव कल्याण के लिए इतने सारे ग्रंथों को रचना की, मेरे को ही आनंद नहीं मिलना है, पर ये ग्रंथ को पढ़ करके दूसरे को क्या आनंद मिलेगा, इसलिए गुरु जी आप ही बताओ क्या कारण है। तब नारद जी कहते हैं बोले जथा धर्म दयश्चार्था मुनि वर्ज्यानु कीर्तित न तथा वासुदेवस्य महिमा जनवर्णित।
बोले तुमने देखो हम लोग भी संसार में जो कुछ करते हैं शांति सुख के लिए, पढ़ाई लिखाई शांति के लिए, नौकरी चाकरी शांति के लिए, बच्चे जन्म देते हैं शांति के लिए, दुकान मकान भी बनाते हैं शांति के लिए, लेकिन हमें भी शांति नहीं मिलती है। जगत में कोई दुख ढूंढता नहीं, कोई घर में कोई दुख को बुलाता है बताओ? लेकिन बिना बुलाए बिना निमंत्रण के ये दुख आता है कि नहीं घर में? बिना निमंत्रण के ये दुख अपने आप घर में आ जाती है, हैं? एक समस्या सोचते हैं भैया किसी तरह से ये एक समस्या हो लो हल हो जाए शांति मिलेगी, देखना दूसरी समस्या फिर तीसरी समस्या। मकड़े जैसे डाक जैसे अपना मकड़े जैसे अपना घर बनाते बनाते इतने बुरी तरह से फंस जाते हैं खुद निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। हम भी ऐसे संसार करते 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 दल दल में हम ऐसे फंस जाते हैं हमें भी रास्ता नहीं निकलता है, हैं? हमें भी रास्ता नहीं इसलिए हमें भी रास्ता नहीं मिलती है। इसलिए इनका प्रश्न नहीं बताओ क्यों ऐसे होता है। अरे देखो देखो यहाँ पर अच्छी बात उन्होंने बताई, ध्यान देकर सुनो अच्छी बात बता रहे। भले तुमने जो जीव है ना वो भगवान की स्पंश है, हम सबके सब ठाकुर जी की संतान है। जब तक हम ठाकुर जी की शरण में नहीं जाएंगे तब तक जीवन में जो कुछ भी कर लो भैया जीवन में शांति सुख नहीं मिलेगा। आप बताओ हनुमान जी दिन भर करते हैं क्या? बताओ प्रभु का नाम ही तो कर रहे हैं, ठाकुर का सेवा ही तो कर रहे हैं, अपना दुख दूर गया सबका दुख दूर करते हैं, सबका दुख दूर करते हैं और अपना दुख तो दूर गया। देखो अच्छे तरह से समझो, ध्यान देकर सुना। जैसे तुम्हारी यहाँ पर एक फोड़ा हो गई, यहाँ पर फोड़ा हो गई, आपने क्या किया उसको फिर मलम पट्टी कर दिया है, लेकिन देखना फिर दूसरी जगह पर फोड़ा निकलेगा उसका भी मलम पट्टी करना, देखना तीसरी जगह पर फोड़ा निकलेगा। लेकिन आपको देखना पड़ेगा ये फोड़ा क्यों हो रहा है, हमारा जो खून है जो ब्लड है वो खराब हो गया है इसलिए ये फोड़ा हो रहा है। जब तक तुम अपना ब्लड खून को सही नहीं करोगे ना यहाँ पर फोड़ा, फिर यहाँ देखना सारा शरीर में फोड़ा फोड़ा निकलता रहेगा, लेकिन अपना खून को सही कर दो बस फोड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। उसी तरह संसार में सारे दुख का जड़ है, हमने भगवान को भूल गए, भगवान की भक्ति छोड़ दिए, असली पिताजी का घर हमने भूल गया, असली पिताजी की भूल जाने का नाते ये बहिरंगा माया भगवान की ये संसार भी जेल में हमें डाल दिया है। इसलिए जब तक जीव ठाकुर जी की शरण में पूरा नहीं जाते हैं, हनुमान जैसे, तुलसीदास जैसे, मीराबाई जैसे, नरसिंह भगत जैसे, जब तक हम ठाकुर जी के शरण में पूरा नहीं चले जाते हैं भैया ये संसार की कारागार से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए नारद जी कहते हैं इसलिए तुम्हें शांति नहीं मिल रही है, तुमने सारे देवा देवी को तो वर्णना किए हो लेकिन जो असली प्रभु श्री वाक्य बिहारी है ना उनका तुमने गुणगान गाया नहीं। बोले क्यों? हमने तो पुराण में वाक्य बिहारी कृष्ण का कथा भी हमने सुनाई। बोले देखो तुमने दूसरे दूसरे धर्म को जितने बढ़ा चढ़ा कर बताया ना भगवान की प्रेम भक्ति को इतना वर्णना नहीं की इसलिए तुम्हें शांति नहीं मिल रही है। अगर तुम शांति पाना चाहते हो क्या करो, भगवान कृष्ण की भगवान राम की इनकी शुद्ध भक्तों का चरित्र को वर्णना करो, इनकी चरित्र से ही तुमको आत्मा की शांति मिलेगी। फिर नारद जी फिर अपना कथा सुनाते हैं, देखो तुम मेरे कथा को सुन लो, आज मैं इतने बड़े संत कैसे बना है, मेरे चरित्र सुन लो। बोले बताओ, बोले मेरे जो जन्म है ना किसी दासी पुत्र रूप में मेरा जन्म हुआ, साधारण घर में मैंने जन्म हुई। एक दिन क्या हुआ हमारे गांव में ये चातुर्मास में कुछ संतों लोग भ्रमण करते करते अपना गांव में आए और आते ही उनके लिए पूरी सब्जी हलवा बनना शुरू हो गया। मेरी मैया तो गरीबी घर में जन्म हुआ, मेरी मैया ने देखा अगर मैंने ये संतों को थोड़ी बहुत सेवा कर दूं मुझे भी खाना मिलेगा मेरे बच्चों को भी खाना मिल जाएगा, इसलिए मेरी मैया ने संतों की सेवा करना शुरू कर दी। देखो माँ जो करेगा बेटा तो वही करेगा ना, पहला गुरु कौन है?
पहला गुरु माता और पिता है। सबसे पहले संस्कार किससे पड़ता है? माँ और पिताजी से। सबसे गुरु पहला गुरु पिता माता। इसलिए क्या करनी चाहिए? सवेरे उठ करके पिता माता की चरण हमें सबसे पहले उनका छूनी चाहिए, क्योंकि संस्कार पिता माता से पढ़ते हैं। अगर दिन भर माताएं अगर टीवी खोल करके बैठ करके देखे, अगर माता दिन भर स्मार्टफोन लेकर बैठी हुई है, आप बताओ बच्चे के ऊपर क्या संस्कार पड़ेगा? मैया जो करेगा वही तो करेगा ना बच्चा। अगर मैया अगर सवेरे उठ करके गीता पढ़े, रामायण पढ़े, भगवान की सेवा करे, अगर माँ अगर माला जप करती है, फिर बच्चा क्या करेगा? बच्चा भी वही काम करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, हैं? इसलिए क्या करो, पहला संस्कार पिता माता की पढ़ती है। इसलिए कहते जब मेरे माता जी जाकर के संतों की सेवा करना शुरू कर दी, मैं भी जाकर के संत सेवा करना शुरू कर दी, हैं? संत सेवा करता था, संत लोग मेरे को जो आदेश करते थे मैं दौड़ दौड़ कर जाता था, बोले बच्चा फूल ले आओ, ठाकुर का सेवा होगा, भागते भागते जाता था। मैंने फूल ला करके संतों को देता था, बोले बच्चा थोड़ी सी फूलों की माला बना दो, भगवान पहनेंगे, सुंदर फूलों की माला बनाया करता था। अभी संतों को पास में बैठ करके भगवान की सुंदर सुंदर कथा सुनता था। भैया जैसे संतों करोगे वैसे रंग बदलेंगे। अगर एक शराबी को साथ में बैठो, फिर बताओ क्या बन जाओगे? शराबी बन जाओगे। एक जुआरी को साथ में बैठो, क्या बनोगे? जुआरी। एक भंगड़ी को साथ में बैठो, भंगड़ी बन जाओगे। आप जैसे संग करोगे ना, मूल है संग, संग से ही रंग बदलता है, हैं? जैसे ऐसे संगत में बैठे, शादी में गए, बोले भैया दारू पी रहे, बोले तू भैया तू भी थोड़ा दारू पी ले, बोले नहीं हमारे घर में कोई दारू नहीं पीते, मैं दारू नहीं पीता हूँ, बोले रोज थोड़ी पीते हो, ये शादी का समय ना, एक बार पी लो ना, एक ढकन पी लो बस, एक बार पी लिया। दूसरे शादी में गया, बोले थोड़ी पीते हो, थोड़ा पी लो बस, पीते पीते क्या हो जाता है? पियकड़ बन जाता है, हैं? पियकड़ बन जाती है। इसलिए ये जो संग है ना, सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है संग में। इसलिए ऐसे संगत में मत बैठो जो स्वयं बिगड़े और पूरा परिवार को बिगाड़ करके चले जाए। देखो अगर पिता अगर स्वयं पिता है, बच्चे को बोल सकता है तू मत ब्याह करो? बोलो। पिता अगर स्वयं पिता है, बच्चे को बोल सकता है तू बेटा मत ब्याह करो? बेटा सोचेगा भैया जो पिता जब पीते हैं जरूर तो कोई बढ़िया चीज होगा ना, तभी तो पिता पीते हैं, फिर बेटा भी पीना शुरू कर देगा, हैं? अगर पिता अगर स्वयं सिगरेट फूकते हैं, गुटखा खाते हैं, बच्चा क्या सोचेगा? जरूर सिगरेट में कोई बढ़िया चीज है, ये गुटखा में कोई बढ़िया चीज है, भैया हम भी खा करके देखे। देखो इसलिए कभी भी ऐसे काम मत करो जो कि परिवार को सर्वनाश करके जाना पड़े, ऐसे कोई काम नहीं करनी चाहिए। हर काम करने से पहले सोचो मेरे परिवार को ऊपर में क्या असर पड़ेगा, मेरे परिवार उसमें क्या बनेंगे। देखो कुछ दिन पहले एक माता जी मेरे पास में माला लेने के लिए आई, मैंने देखा उसके दो बच्चे हैं और उसका उम्र कहते 30 साल होगी। मैंने पूछा भैया इसके बच्चे का पिता कौन कहाँ है? बोले ये मर गया। मैंने कहा भैया कैसे मर गया? बोले ये पीते थे। क्या करते थे? वो पीते थे ये, हैं? मैंने फिर बोला क्या हुआ? बोले देखा बाद में लिवर व्यूवर से उठाना, फिर तो कोई चांस नहीं था बचने का, कोई चांस नहीं था बचने का। इसलिए भैया ऐसे कोई चीज को मत पिया करो, मत खाया करो, जैसे बच्चे लोग हमारी बाद में बिगड़ना शुरू करते, ठीक है ना? इसलिए अगर हम भी चाहते हैं, बताओ कौन चाहता है मेरा बेटा ध्रुव प्रहलाद बने, वाल्मीकि बने, सब चाहते हो ना? लेकिन बेटा कब ध्रुव प्रहलाद वाल्मीकि बनेगा? जब बच्चे को सत्संग में लाओगे तभी तो बच्चा बनेगा ना, हैं? तभी तो बच्चा सत्संग में लाओगे तभी तो बच्चा अच्छा बनेगा, और असत्संग में डालोगे तो फिर कैसे होगा बताओ? इसलिए हमें हर काम को सोच विचार कर करनी चाहिए। इसलिए नारद जी कहते हैं जब मैंने संतों की संग करने लग गया, संत लोग क्या करते हैं, प्रभु की चर्चा, प्रभु की कथा मेरे को बड़ी अच्छी लगती थी। जब सत्संग में बैठता था इनकी प्यारी प्यारी कथा सुन करके मेरे को बड़ा आनंद लगता था।
अभी चार महीना खत्म हो गया, संत जाने के लिए तैयारी हुए। मैंने कहा भैया मेरे को भी साथ में ले चलो, क्योंकि आपको साथ में अच्छी लगती है, हैं? क्योंकि अब देखो भगवान की कीर्तन करो, भजन करो, भगवान की कथा सुना, जिस घर में ठाकुर का कीर्तन भजन पूजा पाठ हो ना, वो घर घर में ही, वो घर भगवान का धाम, भगवान की धाम है। जैसे अभी कथा सुन रहे हो, हैं? अच्छी लग रही कि नहीं? अच्छी लग रही कि नहीं? भगवान का कीर्तन कथा नाच गान ठाकुर जी के हैं, इसलिए बोले भैया मेरे को भी साथ में ले चलो। लेकिन मेरे मैया का अकेला बेटा था, मैया मेरे को जाने नहीं दी। संत लोग जाते समय मेरे को एक मंत्र देकर गए, हैं? बोले बेटा जब जब तेरे को फुर्सत मिलेगा ना, तब तक मेरे भगवान की तुम ये नाम जप करते रही हो। अभी जब एक दिन मेरी मैया किया थी शाम का समय में, वो गई थी गोल दहन करने के लिए, किसी सर्प को ऊपर में प्यार पड़ते ही वो सर्प ने मैया को काट डाला, मैया वहीं पर प्राण त्याग दी। किसने कहा नारद जी तेरे माँ को सांप ने काट दिया, शरीर छोड़ दिया, दुख तो मिली लेकिन मैंने देखा अभी तो मेरे को कोई भजन के लिए मेरे को रोक ठोक नहीं सकते हैं। फिर मैंने वहीं से भजन करने के लिए मैंने चल पड़ा। लेकिन देखो भगवान पाने से पहले ना ठाकुर जी हमें कुछ लोग दिखाते हैं, अगर वो लोग को अतिक्रम करोगे तो फिर ठाकुर मिलेंगे। जब मैंने थोड़ी दूर गया, बड़ा मैं सुंदर था देखने में, एकदम 5 साल का बालक, मैं अकेला जा रहा था, दो सेठ सेठानी जिनके पास में अथाह संपत्ति, लेकिन घर में कोई बच्चा नहीं। मेरे को अकेला देख करके बोले बेटा कहाँ जा रहे हो, एक बार हमारी गोद में बैठ जा, इतने सुंदर तू हो, हमें केवल पिता माता बोल दे, हमारी सारी संपत्ति का मालिक तू बन जाओगे। बोले भैया गोद में बैठूंगा तो ठाकुर की गोद में बैठूंगा, और किसकी गोद में नहीं बैठूंगा। और थोड़ी दूर गया, एक देश में राजा राज्य राजा ही नहीं, हाथी सोने का कलसी लेकर घूम रहा है, जिसका सर पर डालेगा वही बनेगा राजा। वो हाथी ला कर ना सोने का कलसी का पानी मेरे सर पर डाल दिए और सब लोग हमें पकड़ लिया, भैया देश का राजा मिल गया, देश की राजा मिल गया। मैंने उसका मोह भी मैंने त्याग दी, कहते ना जा पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे सब कोई। थोड़ी दूर गया, सोने की खान हमने देखी, उसका मोह भी मैंने परित्याग की। लेकिन जब घोर जंगल में प्रवेश किया, बड़ा सुंदर सरोवर, वहां पर स्नान किया, पेट भर करके पानी पिया, और संतों ने जो हमें मंत्र प्रदान की थी मैंने उसी मंत्र को मैंने जपना शुरू किया। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय जब कीर्तन होना पीछे पीछे जरूर ताली बजाते हैं। देखो हम क्यों ताली बजाते हैं कीर्तन में, हम ताली क्यों बजाते हैं, बड़ा रहस्य है, बड़ी रहस्य है। जैसे अब रामदेव बाबा का जोगा देखे हो, देखना रामदेव बाबा का जोगा देखे होंगे, ये हाथ का कौन सा पैंट्स दबाने पर तुम्हारी लीवर अगर खराब हो सही हो जाएगी, कौन सा पैंट दबाने पर तुम्हारी शुगर सही हो जाएगी, कौन सा पैंट दबाने पर तुम्हारी कैंसर सही हो जाएगी, हैं? ऐसे कोई बीमारी नहीं जो ये आपको प्रेशर आप सुने होंगे वो हाथ से सारे दवा को, हाथ से सारी बीमारी को सही कर देते हैं। इसे जब हम इसे ताली बजाते हैं ना, हाथ का सारे पैंट से दबती है, सारे हाथ का पैंट से दबती है। आप देख लेना थोड़ी समय अब ताली बजा दो ना, तुम्हारे शरीर में ऊर्जा प्रकट हो जाएगी, हैं? ऊर्जा प्रकट हो जाएगी। और जो व्यक्ति ये ताली बजाएगा शरीर का बीमारी सही होगा, पहला नंबर है। दूसरा नंबर है, इसको ध्यान देकर सुना,
अगर संसार में हम बहुत ज्यादा ज्यादा दुखी है, फिर हम किसी ज्योतिष को पास में जाते हैं, बोले भैया देखो तो ये दुख क्यों दूर नहीं हो रहा है, एक को बाद में एक, एक को बाद में दुख को बाद में दुख है, भैया देख लो तुम्हें महा देख लो थोड़ी सी, आप बताओ वो ज्योतिष क्या तुम्हारी दुख दूर कर देगा, फिर वो क्यों, वो खुद क्यों रोड में बैठा हुआ है, वो तुम्हारी दुख दूर नहीं कर सकता है, है? लेकिन दुख दूर कर सकता है तो कौन कर सकता है, ठाकुर कर सकते हैं। अगर भगवान की कीर्तन में ताली बजाओगे ना, अगर तुम्हारी भाग्य रेखा अगर उल्टा पुल्टा हो, उल्टा पुल्टा होना भाग्य रेखा, ठाकुर ही बदला सकते हैं। हम ताली का बजाते हैं किसकी स्वागत में, किसके स्वागत में ताली बजाते हैं ना भैया, ताली बजा करके इनकी स्वागत करो, यहाँ पर किसकी स्वागत में ताली बजा रहे हो बताओ, किसकी स्वागत में, ठाकुर जी की, दानके बिहार जी की, मेरे तरफ में देख लो, माताओं के लिए जो भाग्य रेखा है देखो, ये देख लो कि जो रेखा है ना सीधा रेखा है, ये भाग्य रेखा है, और भाइयों के लिए ये सीधा रेखा है, ये रेखा जिसको जितने बढ़िया होगा ना उसका भाग्य उतना ही जगेगा, अपने खुद खुद देख लो, आप लोग ताली बजाने से पहले देख लो और ताली बजाने का बाद में देख लेना, ठाकुर जी भाग्य रेखा को बदला देते हैं, आप लोगों को विश्वास है कि नहीं, आप स्वयं ये चीज को घर में परख करके देख लो, अगर कोई दुख कष्ट घर में बैठ जाओ, खूब ताली बजाओ, खूब कीर्तन करो, क्यों, मंगल भवन अमंगल हरि ठाकुर जी, इसलिए पीछे पीछे खूब कीर्तन करो, देखना तुम्हारी भाग्य रेखा ठाकुर जी बदला देगा, है? बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद नारद जी जब भक्ति योग द्वारा समाधिस्थ हुए, भजन करते करते जब इनकी हृदय निर्मल हो गई, ठाकुर जी का एक झलक दर्शन मिला और नारद जी को इतना आनंद मिला, प्रेम में नारद जी गदगद हो गए,
लेकिन ठाकुर जी इतने में अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन एक बार दर्शन देख रहे आप कहाँ चले गए, तो उन्होंने रोना प्रारंभ कर दी। ठाकुर जी बोले कोई चिंता मत करो, केवल तुम्हारी उत्कंठा को बढ़ाने के लिए मैंने दर्शन दिए, फिर तुम्हें अगले जीवन में तेरे को मैं प्राप्त होऊंगा। तब श्री नारद जी गिरिराज गोवर्धन में जहाँ पर नारद कुंड वहीं पर उन्होंने बैठ करके भजन की। भजन करते करते ठाकुर जी दिव्य रास लीला में दर्शन दिया और भगवान उसको अपना प्रसाद बिना दिए। नारद जी कहते मैं जब जब बिना में ठाकुर जी का नाम लेता हूँ भगवान स्वयं आकर के दर्शन देते हैं, और सर्वत्र में ठाकुर जी का नाम को कीर्तन करते हुए विचरण करता हूँ और आनंद में रहता हूँ। इसलिए हे व्यास देव, अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो अभी श्रीमद भागवत ग्रंथ को रचना करो। जब श्री नारद जी उपदेश देकर के चले गए, श्री व्यास देव जी बोले भक्ति जोगे न सम्यक प्रणहित मले अपस्यम पुरुषम पूर्णम माया च तत् अपाश्रयम्। इन्होंने भक्ति योग समाधि को द्वारा समाधिस्थ हुए तो संपूर्ण गोलक वृंदावन दर्शन किया, तब उन्होंने श्रीमद भागवत ग्रंथ को रचना की। बोले भैया ग्रंथ तो बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन ग्रंथ पढ़ाएंगे किसको? लेकिन जिसको पढ़ाना था श्री सुखदेव गोस्वामी, वो तो बचपन से ही ब्रह्मज्ञानी बनकर चला गया, अभी उसको वापस कैसे लाए? इनके चार ही चेले थे। बोले देखो चलो, मेरे एक तोता कहीं उड़ते हुए चला गया, उसको वापस ला सकते हो? बोले गुरुजी जंगल में बहुत सारी तोते हैं, हम क्या प्रधान का तोता कौन है? बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं, मैं चारों को मैं चार श्लोक सिखा दूंगा। अभी ये श्लोक सुन करके जो अपनी आप पकड़ में आ जाए समझना यही मेरे तोता है। बोले ऐसे श्लोक? बोले हाँ। तो उन्होंने पहला श्लोक, उन्होंने पहला चेला को सिखाया। कहते वो श्लोक किसने बोला? बोले स्वयं राधा रानी, कृष्ण कितने सुंदर है। कहते हैं ना, बांके बिहारी को देख चटा देख चटा मेरो मन है गयो लटा पटा। इसलिए श्री बांके बिहारी कितने सुंदर है, इसलिए कभी कभी गोपियां कहती है नंदलाला तू यदि हो तो लाली गला कटे जाती करोड़ों में। अच्छा क्या परमात्मा ने तेरे को लाली नहीं बना करके लाला बना दिया? तू इतने सुंदर इतने सुंदर, अगर तू लाली होती ना पता नहीं विश्व ब्रह्मांड में जितने क्षत्रिय आपस में मारपीट करके सब खत्म हो जाते। अच्छा हुआ तू लाली नहीं लाला हो, इतने सुंदर हमारे श्री बांके बिहारी। इसलिए राधा रानी ये वेणु गीत में कहती है, बले बरहा पिड़म नटवर बपुहु करनयो कर्णिकारम विप्रत पास कनक कपिशयम वैजयंती च माला रंध्रान बेनुरधर सुधया पुरयान गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्ताद गीत गीति। पहले सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म ज्ञानी थे, एकदम ब्रह्म में भगवान निराकार निर्विशेष हैं ऐसे सोच करके ब्रह्म में डूबे हुए थे। लेकिन जब कृष्ण कितने सुंदर हैं, कृष्ण का सर में क्या मोर पंख है, बोले मोर पंख क्यों? बोले उसमें श्री राधा रानी का नाम लिखा हुआ है। मानो श्री श्याम सुंदर मोर पंख लगा करके दुनिया में राधा रानी का नाम को सर्वत्र प्रचार कर रहे हैं। बोले नटवर बपुहु भगवान के स्वरूप कैसे है? बोले तीन जगह में कृष्ण टेढ़े हैं। बोले टेढ़े क्यों? कृष्ण टेढ़े क्यों? कोई सीधा चीज अंदर में जाए निकल आएगा, लेकिन कोई टेढ़ा चीज घुस जाए ना भैया वो निकलेगा नहीं। अगर वो टेढ़े टांग वाले अगर हमारे दिल में बैठ गए ना वो कभी नहीं निकलेंगे हैं। इसलिए कृष्ण तीन जगह से टेढ़े, इसलिए हमारे भक्त लोग कहते हैं तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया हैं। कृष्ण का गोकुल तेरी टेढ़ी, जमुना तेरो टेढ़ो
टेढ़ो रे टेढ़ी तेरी जसोदा दो करिया तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी। कृष्ण का सबको जो टेढ़ाई है, वृंदावन गए हो? कौन कौन वृंदावन गए? जगना वहां गली कहीं सीधा गली गई है, सब टेढ़ी मेढ़ी गली, सब टेढ़ी मेढ़ी। कृष्ण भी और ब्रज में भी सब गाली देकर बात करेंगे हैं, इसलिए ब्रज में सब टेढ़े हैं। इसलिए कृष्णा गले में बड़े सुंदर वैजयंती माला पहने हुए और कृष्णा बड़ी सुंदर मीठी मीठी बंसुरी बजाते हैं, इसलिए कभी कभी राधा रानी तो कहती हैं अगले जीवन में मैं और राधा ही नहीं बन करके आऊंगी, आऊंगी तो ये बंसुरी बन करके। बोले क्यों? ये बंसुरी तो हमारे सौत है, कृष्ण गोप हम गोपी, कृष्ण के अधरा मृत में हमारी अधिकार। लेकिन देखो देखो तो सही, ये बंसुरी हमें अंगूठा दिखा दिखा करके हमारे सारे अधिकार को यही छीन रहा है। कृष्ण का होठ कितने सुंदर लाल, लेकिन ये बंसुरी सारे रस को पी लेता है और कृष्ण का होठ अब नीली पड़ी गई। कभी कृष्ण हाथों में, कभी कमरे में, कभी उसकी अधर में, कृष्ण तो कभी ये बंसुरी को छोड़ते नहीं कभी। इसलिए राधा रानी कहती हैं अगले जीवन में मैं बंसुरी बन करके आऊंगी और बांके बिहारी मेरे को हर समय अपना पास में रखेंगे, फिर उनके पास में रहा गरुड़ में हैं। इसलिए कृष्ण जब सखाओं को साथ में वृंदावन में प्रवेश करते हैं, वृंदावन जी की चरण स्पर्श पा करके जीवन का धन्य धन्य मानते हैं और सखा जब प्रवेश करते हैं बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय। कोई जयकार नहीं, पीछे लोग तो चुपचाप बैठे, अरे पीछे तक आवाज आ रही कि नहीं जा रही आवाज? अरे कन्या का तरह तो जोर से जयकार दे दो, बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। भैया लगे तो कथा हो रही है, जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक को सुने ना वो ब्रह्म ज्ञान में डूबे हुए थे, निकल करके आ गए। बोले भैया ये श्लोक मिला कहाँ से? बोले हमारे गुरु जी ने कहा, हमारी एक तोता कहीं उड़ते हुए चला गया। हमने कहा भैया तोता कैसे? बोले ये श्लोक सुन करके अपने आप जो पकड़ में आएगा वही मेरी तोता। बोले भैया मैं वही तोता हूँ, मैं वही तोता हूँ, मेरे को ले चलो है। बोले भैया वो तो देखने में बड़े सुंदर है, बड़े प्यारे देखने में, भैया वो कहाँ रहते हैं? फिर दूसरा शिष्य बोल दिए, बोले जयति तेधिकाम जन बना ब्रजा करना तो किसको करनी चाहिए? बोले भैया केवल बांके बिहारी को करो, केवल बांके बिहारी को करो और किसको मत करो, मना कर देते हैं। देखो क्यों करनी चाहिए चीज को समझो, अच्छे तरह से समझ लो। जैसे आप किसी बेटी को आप शादी देना चाहते हो, देखना सबसे पहले देखोगे जिस लड़के से शादी दोगे वो लड़का देखने में कैसे, भले कोई चीज मत देखो। बोले भैया पार्सनल बड़ा सुंदर, लड़का देखने में बड़ा सुंदर, हमारे बांके बिहारी देखने में बस इतने सुंदर, इतने सुंदर। बोले सुंदर किम असुंदरम, बोले कोटि कंदर्प कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों काम देव भी जिनको दर्शन करके मोहित हो जाते हैं, इतने सुंदर हमारे बांके बिहारी हैं।
अभी पहला नंबर हो गया देखने में बेटा सुंदर, दूसरे चीज क्या दे दोगे? बोले भैया हम बेटी को शादी देंगे, कोई काम धाम करता है, कमाई भमाई करता है कि नहीं? ऐसे नहीं, बेटी को शादी देंगे तो बेटी भूखी मर नहीं जाएगी, बेटी भूखी नहीं मर जाएगी तो। इसलिए बोले भैया कहाँ रहते हैं? वृंदावन में, जहाँ की भूमि चिंतामणि, जहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष जो मांगोगे वही मिलेगा, और वहां पर पानी नहीं सब अमृत है, वह अमृत है। माँ लक्ष्मी जिनकी चरण की सेवा करती है, बोले एक लक्ष्मी नहीं, बोले करोड़ों लक्ष्मी जहाँ पर झाड़ू लगाती है, कहाँ? वृंदावन में। अगर बेटी को शादी दोगे ना, बेटी राजरानी जैसी बन कर जाएगी, चिंता मत करो, कृष्ण की पटरानी बनेगी, लक्ष्मी जी की चरण की सेवा करती है। दो चीज बढ़िया हो गया। तीसरा चीज कहते भैया इसका परिवार कैसे है? ऐसे नहीं, सास ससुर इतने लड़ाकू, जेठ इतने लड़ाकू है, ऐसे नहीं फिर घर वाले छोड़कर भाग नहीं आएगी तो घर में। बोले उसको पिताजी का नाम क्या? बोले नंद। बोले मैया का नाम? बोले जसोदा। जसोदा मतलब सबको जो जस देती है, नंद मतलब सबको जो आनंद देती है। बोले भैया जेठ का नाम क्या? बोले दाऊ दयाल। क्या नाम है? दाऊ दयाल। दाऊ भैया जैसे दयालु जगत में कोई नहीं। बोले बा परिवार बड़ा सुंदर है। देखो अभी चौथी चीज सबसे महत्वपूर्ण है, बेटा देखने में सुंदर, घर में पैसा की कमी नहीं, परिवार बहुत बढ़िया। सबसे जो महत्वपूर्ण है उसका नेचर, उसका नेचर कैसे है? अगर दीन वर्ती पाकर पड़ा रहता है, बात बात पर हाथ उठाकर मारना शुरू कर देता है, बड़ा क्रोधी है, फिर अगर आप बेटी को शादी दोगे, भले ही जितने पैसा क्यों नहीं हो, शादी दोगे बेटी को? बोले भैया जरूरत नहीं है इस लड़के को। इसलिए चौथा जो बताया वो उसका नेचर कैसे है, चौथा चेला ने बोल दिया, बोले अहो बकियम स्तन काल कूटम जिज्ञासया अपि असाति है। कहते भैया इतने दयालु ठाकुर जी, इतने दयालु ठाकुर जी, ऐसे दयालु दुनिया में कोई नहीं। उदाहरण दिया, जब पुतना कृष्ण को गई थी मारने के लिए, वो जहर लेकर गई थी स्तन में, राक्षसी थी, बच्चों का खून पीती थी, हैं? बच्चों का खून पीती थी, लेकिन ऐसे दुष्टा थी पुतना, लेकिन हमारे गांव के भी आ रही, उसने केवल थोड़ी सी नाटक रचाई। बोले मैया जसोदे, इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलने में झुलाते हैं, उसको तो गोद में लेकर प्यार करनी चाहिए। उन्होंने थोड़ी जो नाटक की ना, ठाकुर जी इतने में संतुष्ट होकर के उसको कहाँ स्थान दे दिया? बोलो तो वृंदावन में ठाकुर स्थान दे दिया, इतने दयालु बांके बिहारी। इसलिए कहते गुन्ना अवगुन्ना प्रभु देखो ना कहो, ठाकुर जी किसकी अवगुण का प्रति कभी नजर नहीं देते हैं। तुम्हारी अंदर में जो थोड़ी सी अच्छी गुण हो ना, ठाकुर जी अच्छी गुण को लेते हैं, बुरे चीज को ठाकुर जी हमारे छोड़ देते हैं। इतना सुनते ही श्री सुखदेव गोस्वामी तो पागल हो गए, और इन्होंने तुम्हारी ये माई भी चलता है कि नहीं, आप देख लो चलता है। इसलिए इतने में श्री सुखदेव गोस्वामी हाथ उठा करके, भैया ऐसे वाक्य बिहारी को छोड़ करके फिर हम किसकी पूजा करेंगे? फिर तो दौड़ दौड़ करके आए और श्री सुखदेव गोस्वामी को हैं, कहते श्री व्यास देव जी ने पूरी श्रीमद भाग चलता है, आवाज आएगी एक ऐसा तेज बढ़ा दो। इसलिए उन्होंने पूरी भागवत कथा उनको श्रवण कराए। इसलिए कहते भैया भागवत कथा की वक्ता कौन है? बोले श्री सुखदेव गोस्वामी, जो आकुमार ब्रह्मचारी, जो संपूर्ण ब्रह्म में जो डूबा हुआ था, ये श्री कौन है? श्री सुखदेव गोस्वामी। बोले श्री सुखदेव महाराज की, जोर से बोलो, बोले श्री सुखदेव महाराज की जय। कहते भागवत कथा की श्रोता कौन है? बोले भैया श्रोता भी कोई Thank you.
सबकी संकट दूर करेगी ये बरसाने वाली बजाओ 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 जो नाचोगे और ताली बजाओगे ना तो आपके आधी बीमारियां तो वैसे ही कट जाएंगे। आपको रामदेव बाबा का योगा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आप लोग इतने महान हैं कि आपसे बार बार कहना पड़ता है। आप देखो भगवान की दरबार जो नहीं नाचेगा ना फिर उसको 84 लाख जन्म में नाचना पड़ेगा, नहीं तो पति को सामने, नहीं तो पत्नी को सामने नाचना पड़ेगा, नहीं तो बच्चों को सामने, नहीं तो सास को सामने, ननदों को सामने। तब तक नाचोगे जब तक प्रभु का कीर्तन में नहीं नाचोगे। जो एक बार प्रभु का भजन में नाच रहे ना सारे नाचना तुम्हारी बंद है। अभी देख लो ठाकुर का भजन में नाचे ना दुनिया के सामने नाचो। हाँ सबके सब खड़े हो जाओ, टांग सीधा कर दो सबके सब।
विशेषकर माताएं ध्यान देकर सुनो। यदि ये बात मत करो, यदि ये महाभारत युद्ध क्यों हुई है, बोले दो कारण से। कितना कारण से? ये दो कारण क्या है? कभी कभी हमारी घर में भी ये दो कारण से महाभारत शुरू होता है। ये द्रौपदी ने थोड़ी सी अपना जीवा को चला दी, क्या बोल दी, बोले अंधा का बेटा अंधा होता है, दुर्योधन को बोल दी। बस इतने में दुर्योधन को इतना क्रोध आया, बोले अंधा का बेटा अंधा होता है, मजा जगाऊंगा तेरे को। इसलिए उन्होंने कपट जुआ खेल करके उन्होंने सब कुछ हड़प लिया और द्रौपदी को जब जुआ पर लगा दिए, द्रौपदी को भी उन्होंने जीत लिया। बोले दुशासन, अभी द्रौपदी राज रानी नहीं, हमारी नौकरानी, पकड़ करके ले आओ उसको बड़ी सभा में। उसी समय में द्रौपदी रजोस्वल अवस्था में थी और इतने में दुशासन पकड़कर घिसड़ते हुए ले आए। दुर्योधन ने कहा इसकी विवस्त्र करके मेरे जंगे के ऊपर बैठा दो। भीमसेन को इतना क्रोध आया, बोले जिस जंगे के ऊपर तो द्रौपदी को बैठाना चाहते हो, घोर युद्ध में तेरे जंघा तोड़ूंगा। बोले दुशासन, जिस हाथ में तुमने द्रौपदी के केस को पकड़े उसी हाथ को उखाड़ करके मैं फेंक दूंगा। अगर ये मैं नहीं कर पाया ना, मैं भीम नहीं। बस महाभारत देखो,
कभी कभी हमारी संसार में भी इसी कारण से युद्ध होता है, हैं? इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे सब चीज में हड्डी है, जैसे अंगुल में हड्डी सीधा हो जाती है, हाथों में हड्डी सीधा हो जाती है, कमर में हड्डी हम बैठे हैं, बताओ एक चीज में शरीर में एक चीज में हड्डी नहीं, बताओ तो किसी में हड्डी नहीं, बाबा सब पंडित यहाँ बैठे, हाँ ये जीव में हड्डी नहीं, इसलिए देखना ये जीव कभी चुप नहीं बैठा, लपड़ लपड़ दिन भर मैं देखता हूँ कथा में भी कुछ लोग बैठे हुए, ये कथा में भी बैठ कर घर में तो चुप बैठते नहीं, यहाँ भी चुप नहीं बैठ रहे, इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे देखो कथा अगर जिसको सुनना है आप जिसको जानते हो कभी उसको बात में मत बैठा करो, आप जिसको जानते हो उसके दूर बैठो, क्यों? तुमने घर का काम धंधा छोड़कर कथा में आए, पर यहाँ भी आकर तुम जो आप लपड़ लपड़ ऊपर यहाँ भी कर रहे, इसलिए जिसको जो जानते हो पास में मत नहीं बैठनी चाहिए, इसलिए ये जीवा में हड्डी नहीं, इसलिए ये जीवा हर समय कुछ ना कुछ बोलना चाहती है, इसलिए द्रौपदी ने जीवा चलाई तो क्या हो गई, महाभारत अभी रामायण क्यों हुई देखो, जिस समय मारीची ने हिरण बन करके आए, मैया सीता बोली ये हिरण को पकड़ करके ला दो, रामचंद्र उसको पीछे चले गए, बोले देखो लक्ष्मण सीता को छोड़कर जाना नहीं, यहाँ पर राक्षस लोग रहते हैं इसलिए गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन वो तो हिरण था नहीं, वो तो मारीच था, जब भगवान राम ने बाण मारे इतने में मारीच ने कहा भैया लक्ष्मण भैया लक्ष्मण, सीता बोली तुमने सुना तेरे बड़ी भैया पर कोई विपत्ति आई, जल्दी जल्दी जाओ भैया को बचाने के लिए, लक्ष्मण बोले मैं नहीं जा सकता, बड़े भैया मैंने बोल कर गए आपको कभी छोड़ कर भी नहीं जा, मैं नहीं जाऊंगा, सीता इतनी सी बात बोल दी, अभी मैं समझ गई हूँ तू साथ में क्यों आया था, तू ये सोच रहे हो राम मरेगा तो तुम मेरे शादी करोगे, लेकिन वो तो सीता जी को अपना माँ समझते हैं, कभी उनके मुख ही नहीं देखे उनकी चरण के सिवा, अगर सीता कभी ऐसे बोले अभी लक्ष्मण कैसे सहन कर सकता है, उसने बोले जीवन में मैं पहला बार में अपना बड़े भैया का आदेश को उल्लंघन करता हूँ, देखो माता जी एक काम करियो ये जो लक्ष्मण रेखा में काट करके जाता हूँ इसको कहीं पार नहीं करना, बोले कोई चिंता नहीं, लेकिन सीता ने दो गलती की, सीता तो कभी गलती कर नहीं सकती, वो माँ है ना पर लक्ष्मी है, लेकिन वो हम लोगों को सिखा देती है, पहला गलती उन्होंने मुंह चलाई जीवा चलाई, दूसरी गलती किया कि लक्ष्मण रेखा को उन्होंने पार कर दिया, और इतने में रावण उठा कर ले गया और पूरा रामायण हो गया, पूरा रामायण हो गया, देखो यहाँ सिखा देते हैं माताओं को दो चीज नहीं करनी चाहिए, क्या है कभी भी जुहा मत चलाया करो, देखना घर में क्यों लड़ाई होता है, भाई भाई में क्यों लड़ाई होती है, कुछ हुआ ही नहीं, थोड़ी जुहा स्लिप हो गया बस हो गया, उसने मेरे को ऐसे बोला उसने मेरे को ऐसे बोली, बस पति को कान में मंत्र देते हैं, हाँ रात को मंत्र देती है, मंत्र देते देते भाई भाई में लड़ाई परिवार में लड़ाई लड़ाई भाग जाते हैं, और दूसरा चीज देखो माताओं को ध्यान देती है सिखा देती है कभी भी माताओं को ये लक्ष्मण रेखा को पार मत करो, अगर लक्ष्मण रेखा पार करेगा ना फिर रावण उठा कर ले जाएगा, कौन उठा कर ले जाएगा, बोले को रावण तो तृतीया युग में आया था, बोले भैया रावण तो तृतीया युग में एक रावण आया था, अभी घर घर में रावण है, अभी घर घर में रावण है, एक रावण पहले आया था, अभी सारे गलियों में सब जगह में रावण, इसलिए विशेष करके जो लड़कियां शादी वादी नहीं हुई ये लड़कियां भी सावधान, कभी भी अपना मर्यादा को पार नहीं करना, पार करोगे तो बस रावण उठा करके ले जाएगा, फिर इस जगत में जो ना आई लव यू बाद में आई लीव यू बाद में कोर्ट में जाकर के आई की लीव, फिर जाकर के लड़ाई झगड़ा कोर्ट में अपना लड़ाई झगड़ा फिर शुरू करते हैं, इसलिए कहते भैया मर्यादा लेकर कभी पार मत करियो नहीं तो रावण उठा कर ले जाएगा फिर, हैं? इसलिए यहाँ पर जिस समय अस्वस्थमा हैं अस्वस्थमा की अपमान होने पर अस्वस्थमा ने सोचा पांडवों को मैं निर्वंश कर दूंगा, इनका धरोहर रूप में केवल उत्तरा के गर्भ में एक बच्चा श्री परीक्षित है, अगर ये परीक्षित को मैं मार दिया ना पूरा समाप्त, इसने जब ब्रह्मास्त्र को प्रयोग की उसने सीधा कृष्ण शरण में चली गई,
कितना जाके आके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जगह बैरी हुई। जब श्री ठाकुर जी के शरण में आ जाए ना सारे खत्म। तब भगवान ने उत्तरा के गर्भ में ठाकुर जी प्रवेश किए, अपना गदा घुमा घुमा करके उन्होंने ब्रह्मास्त्र को निस्तेज किया। निस्तेज करते हुए उन्होंने परीक्षित को रक्षा की। उन्होंने जन्म होते ही गर्भ में ठाकुर का दर्शन किया था, इसलिए सबको परीक्षा कर रहे थे। वो काले काले बंसरी वाले कहाँ हैं, सबको परीक्षा कर रहे थे, इसलिए इनका नाम परीक्षित नाम पड़ गया। बोले श्री परीक्षित महाराज की हैं। अभी कृष्ण अभी हस्तिनापुर में, जब जब कृष्ण जाने के लिए तैयारी होते हैं, पांडव लोग जाने नहीं देते, कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। एक दिन मैया कुंती को, कुंती भगवान से स्तुति कर रही थी, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले कन्हैया, बोले कृष्णाय, कृष्णाय मतलब जो कृष्ण को भक्ति करते हैं जगत में वो बड़े सौभाग्यवान हैं, जो बांके बिहारी जी को पूजा करते हैं, लेकिन उनसे बड़े कौन है? बोले वसुदेव। बोले क्यों? कृष्ण जगतपति जगन्नाथ है, लेकिन पिता किसको बनाया? बोले वसुदेव महाराज को हैं। बोले उनसे बड़े कौन? बोले देवकी। देवकी बड़ी क्यों? ठाकुर जी को गर्भ में कौन धारण किया? विश्व ब्रह्मांड को जो धारण करने वाले ठाकुर जी, उनको अपना गर्भ में ठाकुर जी का धारण किया। इसलिए पिताजी से माता की सौभाग्य ज्यादा है, क्योंकि बच्चा ज्यादा समय कहाँ लालन पालन होता है? माँ की गोद में। इसलिए वसुदेव से देवकी की सौभाग्य ज्यादा। बोले उनसे ज्यादा सौभाग्य कौन? बोले नंद गोप कुमाराय। कृष्ण तो मथुरा में प्रकट हुए हैं, लेकिन उनको झूला में कौन झुलाए, पलना में कौन झुलाए, ठुमुक ठुमुक करके चलाना कौन सिखाए, स्तन कान पान कौन कराए? कौन है? मैया जसोदा। इसलिए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, जय कन्हैया। कल है भगवान कृष्ण का जन्म तिथि, कल भागवत कथा में कृष्ण जन्म लेने वाले। जो मैया जसोदा जन्म हुई, गर्भ में कृष्ण को धारण की, ब्रज गोपियां छह छह महीना पहले 84 गज की लहंगा चुंदरी बनाकर रखे। बोले कन्हैया जन्म लेगा तो हम उसको बधाई देने जाएंगे, कल यहाँ पर भगवान जग बोलेंगे। इसलिए जितने माता है ना 84 गज की लहंगा चुंदरी बन देगा है, वो शादी का समय का जितना सब अपना पिटरा में सब अलमारी में रखो, सब निकलना ठीक है, निकाल करके बढ़िया बढ़िया सबके सब पीला पीला रंग के कपड़ा पहनना। कौन सा रंग के पहनोगे? नहीं हो तो उधार करके लेना, लेकिन पहनना नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। कोशिश करना पीला रंग की वस्त्र हो, नहीं हो तो जो बढ़िया सुंदर वस्त्र होगा ना उसको पहन करके आना। और एक बात, सोने की चेन कोई मत पहन करके आना ठीक है ना, याद रखे चीज को। सोने की चेन अगर पहन करके आओ तो खुद अपना चेन को रखवाली करना, इसमें कभी कभी पुतना भी आ जाती है, है? ये पुतना कभी आकर गड़बड़ी कर देती है, इसलिए सोने का चेन नहीं, सोने की अगर कोई चीज पहन करके आ तो अपना सावधान से उस चीज को अपना देखना ठीक है ना। और ये जो कथा है ना, ये कथा सब आप लोगों को द्वारा हो रहा है, इसलिए कल जब आओगे टफी है बतासा जैसे लुटाने वाले होता है ना खिलौना, ये सबको लेकर जाना। भगवान तो सबका लाला है, है? सबके लाला श्री कृष्ण कन्हैया। इसलिए कल हम लोग बड़े जोर तोर से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया सुंदर करके यहाँ पर बनाएंगे, भगवान की जन्मोत्सव कल होने वाले। इसलिए बोले श्रेष्ठ कौन? बोले नंद और श्री जसोदा, लेकिन उनसे श्रेष्ठ कौन है? बोले ब्रज की गोपियां, क्योंकि भगवान जो रास किए हैं किसको साथ में रास रचे हैं? ब्रज गोपियों को साथ में, लेकिन ये गोपियों में बड़े श्रेष्ठ कौन है? बोले गोपियां भी जिनकी चरण की पूजा करती है श्री राधा रानी की, कभी ये सर्वश्रेष्ठ कृष्ण के जो सर्वश्रेष्ठ भक्त श्री राधा रानी। इसलिए वृंदावन में जाओ तो किसके नाम से मिलते हैं? जोर से बोला, पीछे माता है तो चुपचाप बैठिए, जोर से बोलो वृंदावन में। इसलिए इनका नाम राधा, राधा मतलब क्या?
बोले कृष्ण ने आराध्यते राधा, विश्व ब्रह्मांड तो बांके बिहारी को पूजा करता है लेकिन बांके बिहारी किसको पूजा करता है? राधा रानी को। इसलिए वृंदावन में सेवा कुंज है। सेवा कुंज मतलब क्या? जहाँ पर स्वयं बैठ पैलट राधिका पायन। इसलिए रसधान कहते ही वो ब्रह्म को मैंने वेद में ढूंढा, पुराण में गायब, उसको मैंने वेद में ढूंढा, पुराण में ढूंढा, सब सब सर्वत्र मैंने ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं मिला नहीं। लेकिन मिले तो कहाँ पर मिले? कहते श्री सेवा कुंज में। बोले क्या करते हुए मिले? बोले श्री किशोर जी की चरण की सेवा करते हुए। इसलिए हाँ, इसलिए कुंती मैया कहती प्रभु जगत में सबसे बड़ा भक्त श्री राधा रानी, जिनकी आराधना तुम भी स्वयं करते हो। जब कुंती ये जब स्तुति स्तंभ कर रहे थे, बोले बुआ जी तुम तो आज उल्टा गंगा बहा रहे हो, मैं तेरे भातीजा, कहा मुझे तुम्हारी स्तुति करनी चाहिए, तुम मेरी स्तुति कर रहे हो। बोले यही कन्हैया तेरी माया है, कहा तुमने विश्व ब्रह्मांड का मालिक हो, किसको बुआ किसको नाती किसको पोती भैया बना करके माया के चक्कर में सबको घुमा रहे हो, यही तो तेरी माया है। कृष्ण ने कहा ठीक है बुआ जी, जब तुमने हैं तुमने अपने बुआपन को स्थगित कर दिया, आज मैं भातीजापन को भी स्थगित करता हूँ। जो इच्छा आज तुम मांग ले, झोली फैला करके मांग ले। देखो मैया कुंती क्या मांगती है, बोले विपति सत्य में साक्षात तत्र तत्र जगत गुरु। बोले प्रभु अगर देना तो मेरे झोली में विपत्ति भर दो। बोले बुआ सारा दुनिया संपत्ति मांगते हैं, तो विपत्ति क्यों मांग रहे हो? बोले कन्हैया बोले सूख के माथे सील पड़े जो राम हृदय से जाए, बलि हरि वो दुख को जो पल पल नाम जपाए। इसलिए दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में जो स्मरण करे दुख का ही गाए। बोले कन्हैया दुख में तेरी याद आता है, सुख में तेरे को भूल जाते हैं। बोले कन्हैया चार तरह का व्यक्ति तेरा भजन नहीं करेगा, ये चीज को ध्यान देकर सुनो। बोले कौन कौन? बोले जिसको पास में ज्यादा पैसा हो जाए। देखना ये लोग सहज में कथा में नहीं मिलेंगे, क्लब में मिलेंगे, दारू जहाँ पर पी रही वहां भी, जुआ इस सारी जगह पर वो लोग मिलेंगे लेकिन कथा में नहीं मिलेंगे। बोले हमारे पास में किस चीज की कमी? कथा क्यों सुनो? ये कुंती कहती है बोले प्रभु जिसको पास में ज्यादा पैसा हो जाए वो तेरे भजन नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा, दूर रहेगा, सारे उल्टा पुल्टा काम में दिखना लगे हुए होगा। जन्म जिसको उच्च कुल में जन्म हो गया उसका भी बड़ा अभिमान, हम त्रिवेदी चतुर्वेदी है। तीसरा ज्ञान, थोड़ा ज्यादा लिखा पढ़ा सीख जाए हैं, अरे भक्ति भक्ति कौन करता है, बेकार आदमी है, हम PhD डॉक्टर इंजीनियर किया है। बोले प्रभु ये तेरे भजन नहीं करेंगे। बोले चौथा व्यक्ति श्री, श्री मतलब जिसका चमड़ा थोड़ा सुंदर हो जाए, हाँ हीरो हीरो चमड़ा थोड़ा सुंदर हो जाए, बोले प्रभु तेरे भजन नहीं करेंगे। इसलिए नमो अकिंचन विताय निवृत गुण विताए, तेरी भक्ति कौन करेगा, तेरे भक्ति कौन करेगा, जो दीनहीन व्यक्ति तेरे ऊपर भक्ति करते हैं। इसलिए प्रभु हाँ अगर किसको पास में पैसा है, सुंदर है, ज्ञान है, सब कुछ है, अगर प्रभु की भक्ति कर रहा है, समझना ठाकुर को ठाकुर जी की उसके ऊपर बड़ी कृपा है, भगवान की उसके ऊपर में बड़ी कृपा ठाकुर जी के हैं जो भगवान की भक्ति कर रहा है। इसलिए प्रभु मेरे झोली में दुख भर दो। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, अभी यहाँ प्रश्न होता है क्या भैया जो भगवान की भक्ति करेंगे उसका जीवन में दुखी दुखी आए? कोई बोलेगा ना भैया कुंती दुख मांग रही है, मतलब जो भक्ति करेगा उसका जीवन में दुख दुख है? बोले नहीं ऐसे बात नहीं। बोले फिर ये भैया कुंती दुख भी मांगी, ये चीज को समझो, जैसे आपका पड़ोसी उसको साथ में तुम्हारी लड़ाई है, हैं? तुमने अपना बेटे को बोला देख बेटा भले ही तू जहर खा करके मरना तो मर जाना लेकिन ये पड़ोसी से कभी बात नहीं करना कि इससे मैं साथ में लड़ाई, इसका ये मत नहीं तू जहर खा कर मर जा, मतलब क्या ये पड़ोसी से बात नहीं करना झगड़ा है, इसका मतलब है कुंती कहती है बोले प्रभु इसका मतलब नहीं दुख दे, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब है ठाकुर जी जिस देश में परिदेश में रहो राधा रमण
तकलीफ, लेकिन ठाकुर जी जैसे तेरे को कभी मैं भूलू नहीं, हर समय तेरे में भक्ति करते रहो, भजन करते रहो, ये मेरे को आशीर्वाद दो। अभी पिता भीष्म भी लेट हुए थे, ठाकुर जी वहां पर भी गए। ठाकुर जी पितामह भीष्म की इच्छा थी अंतिम समय में तेरे नाम लेते लेते तेरे दर्शन करते करते अंतिम श्वास त्याग करो, ठाकुर उनकी इच्छा भी ठाकुर जी पूरी किए हैं। अभी श्री युधिष्ठिर महाराज जब राजत्व कर रहे थे, अभी कृष्ण एक दिन बोले युधिष्ठिर महाराज हमें तो विदाई दो, द्वारका भी तुम्हारे देश, अर्जुन को देकर उन्होंने विदाई दिया, लेकिन हो गया 7 महीना अर्जुन नहीं आया। एक दिन युधिष्ठिर महाराज बड़े अपशकुन देख रहे थे, इतने में देखा अर्जुन को आया हुआ, सारे चेहरा लटकता हुआ, बोले अर्जुन क्या हो गया, बोले हमारे भाग्य बिहारी कृष्ण है, हमारे प्राण के प्यारे नयन के तारे भगवान कृष्ण दुनिया छोड़ कर चले गए। जब उन्होंने इतना बोले कुंती मैया उसी समय त्याग दी, बोले जब कृष्ण ही नहीं रहे रहकर क्या लाभ है। इतने में पंच पांडव भी श्री परीक्षित महाराज को राज्याभिषेक करते हुए हस्तिनापुर में वो भी अंतिम प्रयाण किया। जब युधिष्ठिर महाराज राजत्व कर रहे थे, एक दिन उनके देश में बड़े अपशकुन देखे, बोले भैया मेरे देश में अपशकुन क्यों दिख रहा है। हठात भ्रमण करते करते प्राचीन नदी के किनारे में देखा आश्चर्य घटना, एक गैया बड़ी दुखी होकर के रो रही थी, एक बैल का 3 पैर नहीं वो 1 पैर में खड़ा हुआ, और एक शूद्र राजा एक पैर को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था। परीक्षित महाराज झपट पड़े, बोले बताओ तू कौन हो, बोले ये कौन है पृथ्वी, बोले ये गैया पृथ्वी है, बोले क्यों दुखी, बोले कृष्ण चले गए, कलयुग आएगा, लोग पाप कर्म करेंगे, अब ये पाप कर्म में कैसे सहन करूं, बोले ये बैल कौन, बोले ये धर्म है, बोले तुम्हारे 3 पैर कहाँ गया, बोले सत्य तृतीय द्वापर बीत गई, कलयुग में केवल धर्म दान के ऊपर खड़ा हुआ, एक दान के ऊपर, लेकिन ये कली कोशिश कर रहा था उसको भी तोड़ डाले। परीक्षित ने कहा जब तक मैं रहूंगा मेरे राजत्व में तुम्हारी कोई अधिकार नहीं, भाग जाए यहाँ से, ये तो जान से मार डालूंगा। बोले कहाँ जाऊंगा, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर आपका राजत्व है, जहाँ जाता हूँ वही देखता हूँ, आप धनुष बाण लिए वहीं पर तैयारी खड़े रहते हो, मेरे को कृपा करके स्थान दो। परीक्षित महाराज बहुत सोचे, देखा यद्यपि कलयुग में दोष ही दोष है, कलयुग में एक गुण है, क्या है, कलयुग के बल ना कलयुग के कलयुग से कलयुग का स्थान दे दिया। बोले भैया तू रहा कोई चिंता नहीं, क्योंकि कलयुग में दोष ही दोष है, अगर थोड़ी सी कोई ठाकुर का नाम जप कर लेना बस बेड़ा पार हो जाए, इसलिए उन्होंने स्थान दे दिया। हाँ लेकिन ध्यान देकर सुना, जैसे कलयुग में सबसे मीठा दवा प्रभु का नाम, आपको कोई बीमारी कोई अच्छे डॉक्टर के पास में गए, बोले डॉक्टर साहब ये बीमारी, डॉक्टर अच्छे डॉक्टर सचमुच से आपका बीमारी सही करना चाहता है, वो क्या बोलेगा, देखो दवा तो मैं दूंगा, दवा तो बहुत बढ़िया दवा है, लेकिन परहेज को साथ में अगर दवा लोगे ना जल्दी जल्दी तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी। अगर तुम बिना परहेज के साथ में जिंदगी भर दवा लोगे, भैया दवा तो लोगे लेकिन दवा कोई असर नहीं करेगा, इसलिए कलयुग में दवा क्या है, ठाकुर जी का नाम सबसे मीठी दवा, लेकिन परहेज क्या, ये चीज को आप लोग अच्छे तरह ध्यान देकर सुना, अगर 4 नियम को केवल पालन कर लिया, थोड़ी सी ठाकुर का नाम करो ठाकुर के पास में चले जाओगे। कलयुग में भगवान सबसे सरल उपाय दिया, पहला नंबर है जुआ मत खेलो। स्वयं युधिष्ठिर महाराज बोले देखो मैं स्वयं धर्म स्वरूप हूँ, लेकिन देखो जुआ खेल के करीब कितना सत्यानाश हो गया, पहले राज्य गया, भाई गए, पत्नी को भी गई,
उसको बाद में 12 साल तक हमें जंगल में भटकना पड़ा और एक साल विराट राज्य में राजत्व करना पड़ा, सेवा करना पड़ा। मैं सम्राट होकर कंक का काम किया, भीम से सर्वश्रेष्ठ गदाधारी क्या करता था, रोसी बनाया करता था। अर्जुन सर्वश्रेष्ठ गांधी बृहनला लड़की को नृत्य सिखाया करती थी। नकुल सहदेव तलवार युद्ध में सर्वश्रेष्ठ करते थे, क्या घोड़ा साला को संभालते थे। शिक्षा दिया है अगर कोई जुआ खेलेगा ना इतने नीचे तुम उतर जाओगे। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, इधर सब के सब सुनो, ठाकुर जी जो दिया है ना उसी में ही सुखी रहो। अब ये मत समझो जुआ खेल करके एक रात में ही धनी बन जाऊंगा, नहीं। अभी तक अब जितने जुआरियों को देखो कोई भी अभी तक कोई बड़े आदमी नहीं बने। जैसे पैसा कमाता है ना ऐसे पैसा लुटा देता है, हैं? वैसा लुटा देता। इसलिए भगवान जो दिए उसमें सुखी रहो और उसी में ही अपना जीवन निर्वाह करो। और जुआ खेलोगे तो इतने नीचे उतर सकते हो, ये शिक्षा दे रहे, ठीक है ना। धर्म का पहला चरण सत्य खत्म हो जाती है। दूसरा नंबर है पानम। पानम का मतलब होता है किसी तरह का नशीली वस्तु, मतलब जैसे पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा फुटका, ये सब नहीं लेनी चाहिए, ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। देखो हमारे संत लोग कहते हैं जो व्यक्ति शराब पीते हैं ना कहते तो उनका तीन लाभ होता है। कितना लाभ होता है जोर से बोलो, क्या तीन लाभ क्या है? पहला लाभ है उसको घर में कभी चोरी नहीं होगा, दूसरा लाभ है वो व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं बनेगा, तीसरा लाभ है कुत्ते इसका दोस्त बनेंगे। बोले भैया इसका मतलब क्या है? पहला नंबर वो बूढ़ा नहीं होगा। बोले भैया बूढ़ा कब होगा? जब जिंदा हो तभी तो बूढ़ा होगा ना, वो तो पी पा कर आधा उम्र में खत्म हो जाएगा, बोले बूढ़ा कहां से बनेगा। दूसरा लाभ क्या है? घर में चोरी नहीं होगी। बोले भैया चोरी कब होगा? घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी ना, वो तो पी पा कर सब खत्म कर देगा, बोले चोरी कहां होगी। तीसरा लाभ क्या है? कहते हैं कुत्ते दोस्त बनेंगे, कभी पी पा करके कहीं पड़ा रहेगा कुत्ते मुंह में पेशाब कर जाएगा। इसलिए आप लोग भी ना देखो, आप लोग भी अपना घर में बच्चों को सावधान कराना। अभी ये चीज इतना चल रहा है, अगर शादी में अगर ये सब चीज को नहीं दो ना किसको, बोलो भैया ये कौन सा शादी है, तुमने पिलाया नहीं, तुमने मांस नहीं खिलाया, ये कौन सा शादी तुम्हारी है? नहीं भैया ये सब गंदी चीज को नहीं करनी चाहिए। देखो संत कहते हैं जैसे बच्चे का बर्थडे है, हाँ बच्चे का बर्थडे में, इसलिए संतों का कहना है जिस बच्चे का बर्थडे में तुमने इतने बोतलों तुड़वाया हो और इतने जीव हिंसा तुमने की, कहते भैया वो बच्चा का कभी कल्याण होगा? वो संत कहते हैं अगर 7 साल उसका जिंदा होना झट 50 साल में उतर कर आ जाएगा, उसी दिन वो बच्चा आ जाएगी। इसलिए कभी भी कोई शुभ तिथि में खबरदार ये पिलाना और मांस खिलाना कभी मत करो। संत बारंबार ये चीज को मना करते हैं, ये जीव हिंसा है, ठीक है ना। इसलिए ये सब चीज को ये सब चीज से हमें दूर रहनी चाहिए। इसलिए किसी तरह का कोई नस्ली वस्तु को मत लिया करो। अब ये गुटका भी बड़ी तेजी से आ गया है, आप लोग बताओ ये गुटका का पहला घर क्या है? अरे बोलो गुटका की पहला घर क्या है? आप लोग बोलो जोर से, ये गुटका का पहला घर क्या है? बोलो जोर से। इसलिए जिसने ये गुटका की कंपनी खुला है ना वो स्वयं कैंसर में मरा, भूत तो मरा और दुनिया को मरवा कर गया है। इसलिए कभी भी ये गुटका फुटका कैंसर होता है, इससे एक बार कंसियर हो गया ना है सब कुछ निकल जाएगा। इसलिए कभी भी नस्ली वस्तु को मत लिया करो, ठीक है। दुतम पानम स्त्रियम, कहते स्त्रियों को ऊपर में कलिका निवास है। बोले भैया कौन सा स्त्रियों को ऊपर में? बोले जो व्यक्ति अवैध रूप में स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्रियों से मिलते हैं, संसार करो शादी करके अपना पति पत्नी धर्म पूर्वक अपना घर गृहस्थ को धर्म पूर्वक करो, अधर्म पूर्वक नहीं।
इसलिए बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड शास्त्रीय चीज को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए धर्म पूर्वक अपना घर गृहस्थी करो। इसको करने से धर्म का तीसरा चरण यदि ये पवित्रता नष्ट हो जाती है। और जो चौथा है जीव हिंसा, जीव हिंसा में मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ये सब चीज को हमें दूर रहनी चाहिए और शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जब श्री परीक्षित महाराज कली को ये चार जगह पर स्थान दे दिया ना, तभी ये कली संतुष्ट नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले कहाँ कहाँ मैं ढूंढू, मेरे को ऐसे के स्थान दो जहाँ पर ये सारी चीज मिल जाए। देखो ध्यान देकर सुनो, उन्होंने कहाँ पर स्थान दिया? पैसा में, सुवर्ण में स्थान दिया। बोले जितने सारे पाप कहाँ पर होता है? देखना जहाँ जितने ज्यादा पैसा है सारे अनर्थ वहीं पर जुआ है, वहीं पर वेश्याश्रम, वहीं पर मांस, वहीं पर ही शराब, वहीं पर जितने सारे दुर्गुण वहीं पर रहते हैं। लेकिन अगर पैसा है लेकिन वो चीज को हम गलत काम में नहीं लगाते, समझो ठाकुर जी की हमारे ऊपर में ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। हाँ देखो इधर सुनो, आप लोग बताओ तो लक्ष्मी की बहन कौन है? कौन बोले हाथ उठा जोर से बोला? मतलब लक्ष्मी जब आती है ना वो उल्लू के ऊपर बैठ करके आती है और हमें ये उल्लू बनाती है। लक्ष्मी की दूसरा वाहन कौन है बोलो? गरुड़। दूसरा वाहन कौन है? गरुड़ है। लेकिन आप देखना ये गरुड़ के ऊपर में कभी लक्ष्मी अकेली नहीं बैठती है, वो नारायण को साथ में बैठती है। बोले मतलब क्या है? बोले घर में लक्ष्मी को बुलाओ, लक्ष्मी के बगैर कुछ होती नहीं। लेकिन लक्ष्मी को जो बुलाओ लेकिन नारायण को साथ में बुलाओ। लक्ष्मी को क्यों बुलाओगे? इसलिए बुलाएंगे माँ लक्ष्मी तेरे बगैर ठाकुर का सेवा कैसे होगा? भगवान की सेवा के लिए उनको बुलाया करो। फिर तो लक्ष्मी वो उल्लू के ऊपर बैठ करके नहीं, लक्ष्मी फिर गरुड़ के ऊपर बैठ करके आएगी। और गरुड़ कहाँ रहता है? गरुड़ वैकुंठ में रहते हैं। फिर वो हमारे घर को श्री वैकुंठपुरी बना देंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। हमारे बीच में एक बच्चा है, आपको थोड़ी सी कथा सुनाएंगे फिर हम लोग स्वागत करेंगे, ठीक है? 5-7 मिनट। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णे तुच्छै स्फुरितरसनो नाम गणना कृतग्रन्थिश्रेणी सुभगकटिसूत्रोज्ज्वलकरः विशालाक्षौ दीर्घार गलयुगलखेलाञ्चतभुजौ स चैतन्यः किं मे पुनरपि दृश्योर्यास्ति पदम्। हरे कृष्णा। मैं सबसे पहले अपने गुरु पाद पद्म पूज्य पाद सद्गुरुदेव श्रीपाद श्री श्रीधर महाराज जी के श्री चरणारविंदों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव पूज्य पाद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणारविंदों में प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त विद्युत वरेण्य जन जिनकी सराहना स्वयं ब्रह्मा जी कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी दिव्य श्रवण भागवत की कथा उस लोक में सुनने का अवसर प्राप्त नहीं होता, आप लोग सभी के हृदय में केली करते हुए श्री बाल मुकुंद लाल को प्रणाम करता हूं। अब आप लोग सब थोड़ी देर के लिए शांत होकर के और सावधानी से बैठ जाएं। देखो भैया, हमारा परम सौभाग्य है, आप लोगों का सौभाग्य है कि आप लोगों की इस नगरी में संत पधारे हैं, श्री महाराज जी पधारे हैं। कबीरदास जी लिखते हैं ना, मेरे मन में तो यो ही बड़ो चाव संतन को देखूं आव तो, अर
आज बड़े भाग से संत पधारे उठ कर करूं प्रणाम सेवा करूं भाग मेरे जागे घर ही में आ गए चारों धाम संतन को देखूं आब तो मेरे मन में तो यूं ही बड़ो चाव संतन को देखूं आब तो श्री महाराज जी पधारे हैं कृपा करके आप लोगों के इस नगर में तो आप लोग पूरा पूरा लाभ उठाइए उनका श्रीमद् भागवत जी को श्रवण करने का देखिए श्रीमद् भागवत जी का पहले मैं एक बार बता दूं श्रीमद् भागवत जी का स्वरूप क्या है ये भागवत जी साधारण पुस्तक नहीं है इसके अंदर जो लिखा हुआ है वह भी साधारण नहीं है पद्म पुराण में वर्णन है पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ तृतीय तुरीयौ कथितो यदूरु नाभिस्तथा पंचमयेन षष्ठौ भुञ्जावतं तौ युगलत्तधान्यौ कंठस्तुराजं नवमो यदीयौ मुखारविन्दं दशम प्रफुल्लम् एकादशं यस्य ललाट पट्टकं शिरोऽपि यद्वादश एव भाति मतलब भागवत जी के अंदर 12 स्कंद हैं उसमें से पहला और दूसरा स्कंद जो है पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ जो पहला और दूसरा स्कंद है वो श्री भगवान की कोमल कोमल चरण है भगवान के छोटे छोटे चरण हैं जिनसे भगवान चलते हैं तृतीय तुरीयौ कथितो यदूरुः तीसरा और चौथा जो स्कंद है वो भगवान के भगवान की जंघाएं हैं उरु पांचवा और छठा स्कंद है नाभिस्तथाह पंचम येन षष्ठौ जो पांचवा और छठा स्कंद है भागवत जी का वो भगवान का दिव्य उदर है जिसके अंदर ब्रह्मांड है और पांचवा स्कंद जो है वो भगवान की नाभि है भुंजा वतम तौ युगल तथान्यौ जो सातवा और आठवा स्कंद है वो भगवान के दो सुंदर कोमल कोमल हाथ हैं भुजा हैं कंठस्तु राजन नवमो यदीयौ जो नौवा स्कंद है वो भगवान का दिव्य कंठ है जिसमें भगवान ने कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है और वनमाल धारण करते हुए श्री भगवान खड़े हैं मुखार बिंदम दशम प्रफुल्लम दशम स्कंद जो है वो भगवान का दिव्य मुखार बिंद है भगवान की दिव्य सुंदर नासिका उसमें है भगवान की दिव्य सुंदर ओष्ठ होंठ उसमें है मुखार बिंदम दशम प्रफुल्लम और एकादशम यस्य ललाट पट्टकम ग्यारहवा स्कंद जो है वो श्री भगवान का दिव्य ललाट है जिसमें भगवान ने उर्दकुंड लगाया हुआ है और शिरोपि यद्वादश एव भाति और जो बारहवा स्कंद है श्रीमद् भागवत जी का वो भगवान का दिव्य सुंदर मोर पंख धारण किया हुआ मुकुट है सिर है भगवान का ये बारहवा स्कंद है इसलिए आप श्रीमद् भागवत जी को साधारण ग्रंथ और साधारण मात्र केवल एक पुस्तक ना माने ये शब्द विग्रह है भगवान का साक्षात आपके सामने श्री भगवान विराजमान है भागवत जी का दिव्य प्रकरण जो होता है वो दिव्य श्री भगवान का शब्द विग्रह चर्चावल है देखो भैया संत की बड़ी सुंदर महिमा है आप लोगों को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ सत्य घटना है ये बरसाना की सब लोग एक बार शांति से बैठ जाएं कृपा करके देखिए एक बार बरसाना में क्या था एक सेठ जी रहते थे और वो सेठ जी के पास खुद की दुकान थी खुद का मकान था उनके तीन बेटे थे और बेटों की तीन बहुएं थी सेठ जी की खुद की पत्नी नहीं थी एक बार क्या हुआ सेठ जी के मन में बहुत ज्यादा पीड़ा हुई कि मेरे कोई बेटी नहीं है तो क्या हुआ उन्होंने कहा उन्होंने मन में विचार किया और एक संत के पास गए संत आए संत से कहा संत ने कहा क्यों उदास हो उसने कहा सेठ जी ने कि मेरे यहाँ पे बेटी नहीं है माता जी बैठ जाओ आप एक बार जदुरानी माता जी जदुरानी जी चुपचाप बैठो ऊपर ज्यादा घूमने का जरूरत है बैठो तो वो संत बोले कि तुम क्यों परेशान रहते हो भाई तुम बरसाना के वासी हो तो राधा रानी को अपनी बेटी मान लो सुना हूं सेठ तुमको मिलो बरसाने को वास यही ना
से, अरे राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। संत के संत की वाणी उस सेठ जी के हृदय में बैठ गई। उसने क्या किया, वो सुंदर राधा रानी जी का चित्र लेकर के आए और अपने सामने अपने कक्ष में सुशोभित किया। रोज अपने रोज राधा रानी को निहारते, भोजन करने से पहले राधा रानी जी को अर्पण करते और खूब अपनी मेरी बेटी करके राधा रानी को संबोधित करते। एक बार क्या हुआ, उसी नगरी में एक मनिहारन आई चूड़ी बेचने वाली। उस मनिहारन का क्या काम था, ये बच्चे एक बार इन बच्चों को बिठा दो। तो वो मनिहारन आई, वो मनिहारन का क्या था कि वो सेठ जी की जो बहुएं थी, तीन बेटों की बहुएं थी, उनको चूड़ियां पहना जाती और जितना भी उनका जो परिश्रम होता, जितना भी उनकी मजदूरी होती, वो सेठ जी से दुकान पे लेने के लिए जाती। एक दिन आई वो मनिहारन, जब मनिहारन आई सेठ जी के घर पे, तो मनिहारन ने देखा चूड़िया बेचने के लिए मनिहारन आई, तो सबसे पहले सेठ जी की बड़ी बेटी बड़ी बहू आई, मनिहारन ने उसको भी हाथ में चूड़ी पहना दी। फिर उसके बाद बीच वाली बहू आई तो उसको भी चूड़ी पहना दी। फिर उसके बाद जो तीसरी बहू आई तो उसको भी चूड़ी पहना दी। लेकिन ये क्या, एक छोटा सा हाथ उस मनिहारन के आगे आया। मनिहारन सोचने लगी, इनके घर में तो केवल तीन ही बहुएं थी, यार चौथा कौन आ गया ये। तो उसने कहा, मुझे क्या, मैं तो चार को पहना देती हूँ, अपनी मजदूरी सेठ जी से ले लूंगी। तो राधा रानी को पहना दी। अब वो गई सेठ जी की दुकान पे, कहा सेठ जी लाओ मजदूरी दो मेरी। तो उसने कहा ले लो। उसने कहा आज चार लोगों की मजदूरी लूंगी, चार लोगों को चूड़िया पहनाई है। बोले चार लोग, हमारे यहाँ तो केवल तीन ही लोग चूड़िया पहनते हैं। देख तू झूठ मत बोल, तेरे को पैसा चाहिए तो पैसा वैसे ले ले, दे दूंगा, झूठ मत बोल। मनिहारन गुस्सा हो गई, बोली झूठ क्यों बोलूंगी मैं, अरे चार को चूड़िया बनाई है तो चार ही तो बोलूंगी। सेठ जी ने कहा ऐसे नहीं दूंगा, पहले पूछूंगा घर पे। उसने कहा ठीक है जैसी तेरी इच्छा हो। वो घर पे गए सेठ जी, और सेठ जी जैसे घर पे गए तो घर पे जाने के बाद पूछा बहुओं से, अच्छा तुमने चूड़िया पहनी थी। बोले हाँ पिताजी पहनी थी। बोले किस किस ने, बोले हम तीन ने। बोले तीन ने, मन में सोचा वो चार बोली झूठ बोल रही थी। उसने कहा कोई बात नहीं। ऊपर सेठ जी के कक्ष में भोजन आया, ठाकुरानी जी राधा रानी को भोग लगाया, पाकर के विश्राम किया और सो गए। सपने में राधा रानी आई, सपने में प्रकट हो वृषभानु की दुलारी, बोली तनया बनायो तात नात ना निभायो है। एकदम से राधा रानी आई सपने में। सेठ जी ने कहा क्या हो गया राधा रानी, आप रो क्यों रही हो। उसने कहा बेटी तो बना लिया और मैंने चूड़ी पहन ली, तो तूने मनिहारन का मोल नहीं चुकाया। सेठ जी एकदम से परेशान हो गए, अच्छा राधा रानी वो चौथी आप थी क्या, मैं तो सोचा तीन ही हैं। तो राधा रानी कहा तीन बहु याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका को ही भरी आयो है, कैसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी हाय, आज चार चूड़ी काल मोही बिसरायो है। अरे आज तो मैंने चूड़िया पहन ली तो तूने उस मनिहारन का मोल नहीं चुकाया, तीन बहुएं तो तेरे को याद रह गई और तूने मुझे अपनी बेटी बनाया, वो चौथी तेरे को मैं याद नहीं रही। एकदम से सेठ कांप गया। उसने कहा राधा रानी मुझे माफ कर दो मुझसे गलती हो गई। एकदम से वो नींद से जागा। नींद से जागने के बाद एकदम से वो घबराया हुआ नींद से जागा। जागने के बाद स्नान किया। स्नान करने के बाद उसने अपना कुर्ता पहना। कुर्ता पहनने के बाद जहाँ मनिहारन रहती थी वही मनिहारन गली में भागा, और भागने के बाद सामने देखा तो मनिहारन थी। जाकर के सेठ जी चरणों में पड़ गया। धन धन भाग तेरो मनिहारन, धन धन भाग तेरो मनिहारन। अरे मनिहारन तेरे भाग की क्या कहूं मैं। वो मनिहारन सोचने लगी क्या हो गया सेठ जी पगला तो नहीं गए। उसने कहा क्या हो गया सेठ जी। मनिहारन सेठ जी ने कहा आज देख तेरी शोभा, आज तेरा भाग्य देख। बोले क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया। तो सेठ जी ने कहा चूड़ी पहन लई तब कर
भगत की कृपा पाने के लिए बड़े बड़े देवता कतारों में लग जाते हैं, बड़े बड़े शुभ शनकादिक नारद, भृगु अंगिरा, मेघादिति देव ऋषि, चवन अचित पलायन, भरद्वाज, अष्ट नेमी, बड़े बड़े अन्य प्रकार के ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, वेद ऋषि, मनीषी, बड़े बड़े न्याय तर्कों का प्रतिपादन संपादन करने वाले योगिंद्र, मुनिंद्र, कविंद्र इत्यादि, जिसके हाथ की छाया पाने के लिए, आशीष पाने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। आज तेरा सौभाग्य देख, तूने उस हाथ को पकड़ करके उस हाथ में चूड़ियां डाल दी। यह सुनकर के वो मनिहारन पागल हो गई। उसने कहा, मैं अब इन पैसों का क्या करूंगी, ये धन का क्या करूंगी। अरे जब मोहि मिलो अमोल धन, तो अब काहे को मोल, रे मन मेरे प्रेम सो श्री राधे राधे बोल। उसने कहा कि मैं अब इस धन को लेकर के क्या करूंगी। अरे जो परम धन मिल गया, जो परम धन मिल गया हमें, उसकी बराबरी ये धन करेगा। हमारा वैष्णवों का धन कौन है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हाँ देखो, कल भगवान कृष्ण जन्म ग्रहण करेंगे, अब लोग कौन सा रंग के साड़ी पहन कर क्या होगी? पीला रंग, बढ़िया सर। और हमारे भाई लोग क्या पहन कर जाएंगे? आप लोग तो साड़ी पहन कर क्या होंगे? और हमारे भैया लोग क्या पहन कर आएंगे? अगर धोती कुर्ता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहन करके, और जैसे ब्रजवासी लोग आए थे ऐसे ही बधाई देने आना, और कुछ ना कुछ जरूर टफी लेकर के आना, खिलौना टफी, और जो लुटा दे ना जरूर कुछ ना कुछ लेकर के आना। हम बोलो बोलो जय श्री राधे, बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रभु जी की आज्ञा हुई आज के लिए, हमारे बीच में बल्ले पहलवान जी आए हुए, आरती करें ऊपर आगे, और ग्वालियर से बाल किशन महाराज जी बालाजी दरबार से आए हुए हमारे बीच में, संजू मिश्रा जी और मनोज सोनी जी, अर्जुन जी और जयपाल कुटीर जी, और एस के आर्ट वाले वो भी मंच पे आ जाए, सौरभ मेडिकल वाले वो भी ऊपर मंच पे, सौरभ जनरल स्टोर वो भी आगे आ जाए मंच पे, श्रीकांत जी बढ़िया एक शब्द से खड़े हो जाएगा।
और सब के सब आगे आ जाओ, खड़े होकर सब सब आगे आ जाओ। प्रभु जी एक सुंदर भजन गाएंगे, नाचने वालों को हाँ भाई नाचने वाला अच्छा भाई, बाकी भी आगे देख चिंता लगा जसुरी दीवाना किया
Yeah.
Let's go, 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 let